तूफान कर रहा था मेरे अज्म का तवाफ। तूफान कर रहा था मेरे अज्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि मेरे कश्ती भंवर में है। गोवंडी के प्यारे लोग, प्यारे भाई बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा वर्कशॉप हैदराबाद में एक महीने का चल रहा है। हिंदुस्तान के कई नौजवान बच्चे बच्चियां आकर होटल में, मेट्रोपोलिस होटल में वर्कशॉप चलता है, वहां 9 से 2 पढ़ाता हूं। वो पढ़ाकर आपके दरमियान में आया हूं। हल्का सा थोड़ा सा थका हुआ था, लेकिन गोवंडी के भाइयों और बहनों का जोश देखा तो मेरी पूरी थकन चले गई है। जैसे सचिन तेंदुलकर कहा करता था, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, तो मुझे कहना चाहिए आज गोवंडी इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। जो पानी से नहाते हैं अबू आसिम साहब, वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये हल्की बारिश हो रही थी, अबू आसिम साहब थोड़ा सा घबरा रहे थे कि मुश्किलों से यह प्रोग्राम कंडक्ट हुआ है, कहीं लोग चले ना जाएं। लेकिन अबू आसिम साहब के इल्म में मैं ले आना चाहता हूं। ये अल्लाह की रहमत बरस रही थी गोवंडियों पर, और यहां बारिश भी हो जाए। आज फोन पर मैं अबू आसिम साहब से 3-4 दफा बात किया, हर दफा यही कह रहे थे कि बादल मंडरा रहे हैं, बारिश होने के पूरे चांसेस हैं। तो मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब मुनव्वर जमा के कोई नखरे नहीं है, तूफान भी आए तो तूफान से लड़ते हुए पहुंचूंगा मैं यहां। और आप लोग के बीच बारिश में भी इंशाल्लाह अगर होती है तो खड़े होकर मैं तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। हमने तूफानों से लड़ना है, ये तो अल्लाह की बारिश है। ये बारिश में भीगने से कोई इंसान को तकलीफ नहीं होती है। लेकिन यहां जो मकसद है असल ये प्रोग्राम का रखने का, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं ताकि क्या पता ज्यादा बारिश हो जाए तो कुछ लोग चले ना जाएं और वो मैसेज से महरूम ना हो जाएं। अल्लाह ने दो कान दिए, लेकिन बड़ों से हमने सुना कई दफा कहते हुए कि दिल के भी कान होते हैं और दिल के कान से सुने। तो मैं आज आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि अपने दिल के कान से यह बात सुने। मैं एक खिलाड़ी को जानता हूं, वो ऐसा खिलाड़ी जो जिंदगी में कभी हार नहीं देखा, और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, और ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर जाए और कभी जिंदगी में एक दफा हारे ना, नामुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई बंदा पहुंचता है तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके, कभी जीतता है कभी हारता है। लेकिन जिस खिलाड़ी का मैं जिक्र करता हूं, अल्लाह ने उस खिलाड़ी को कभी हराया नहीं, वो हमेशा जीतता रहा और वो हमेशा दुआओं के साथ चलता था, इसीलिए कभी अल्लाह ने उसको रुसवा नहीं किया, अल्लाह ने हमेशा जिताया। वो मां की दुआओं के साथ चलता था, वो वालिद की दुआओं के साथ चलता था। अब मैं इशारा देता हूं तो बहुत सारे लोग शायद समझ भी जाएंगे। वो जब भी जीतता था और कमेंट्रेटर्स अनाउंस करते थे एंड द विनर इज, तो वो कहता था मैं नहीं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, ऐसे हाथ उठाता था अल्लाह अकबर करके। और उसका नाम है खबीब। वो ऐसा बंदा जो कभी जिंदगी में हार नहीं देखा। आप सब लोग जानते हैं UFC, ये बड़ी जबरदस्त फाइटिंग कंपटीशन होता है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं और आसान नहीं होता है उसमें। अनडिफीटेड 29 वर्ल्ड लेवल गेम्स उसने जीते हैं, 29 इंटरनेशनल मैचेस उस बंदे ने खेले हैं, और उस बंदे का कोच उसी के अब्बा थे, उसी के डैडी थे,
उसी के पापा थे। अब जब वो बंदा 28वां मैच खेल रहा था, 28th मैच, पूरी दुनिया देख रही थी, और वो बंदे ने जो अबू आसिम साहब के इल्म में ले आना चाहता हूं, ऐसा खिलाड़ी था वो भी जो ओपोनेंट था, बड़ा चैंपियन था, उसका जबरदस्त बोल बाला, वो भी बहुत बड़ा चैंपियन। लेकिन ये खबीब के रिलीजन के ताल्लुक से उसने कुछ गंदे बात की थी, तो फिर खबीब में ऐसी एनर्जी आई और उसको ऐसे धो डाला, पूरी दुनिया ने देखा उसको। और उसके बाद और एक मैच उसका खेलना था, लेकिन उसकी अम्मी ने बेटे से कहा, बेटा तूने 28 मैच जीते हैं अभी तक, और ये 29वां मैच जो तू खेलने जा रहा है, आज तेरे साथ तेरा कोच यानी तेरे अब्बा हूं, तू अब्बू नहीं है, लिहाजा तू ये मैच ना खेल। तो उसने कहा, मैंने पहले वादा कर दिया था, अब मैं बात से पीछे नहीं हट सकता, अम्मी जान मुझे एक मैच खेलने का मौका दीजिए। 2-3 मिनट में धो डाला वो मैच, 29th मैच था, और जो 28वां मैच था जो उसने जीता था उसको 50 करोड़ रुपए मिले थे, और जो 29वां मैच जीता था उसको 56 करोड़ रुपए मिले थे। फिर दुनिया वालों ने उसको इतना पसंद किया, उसने ऐलान किया, मेरे में और खूब एनर्जी है, मैं और खूब लड़ सकता हूं, लेकिन मेरी अम्मी इजाजत नहीं देती है, अभी अब्बू के बिना रिंग में उतरने का परमिशन नहीं है मुझे, लिहाजा मैं नहीं खेलता हूं। तो खेल जो कंपटीशन रखते हैं वो लोगों ने 350 करोड़ का ऑफर दिया है, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करिए, आप सिर्फ खेलिए, हारे 350 करोड़, जीते 350 करोड़, हलाल के 350 करोड़ हारने पर भी मिलने वाले थे, लेकिन अपनी मां की बात उस बंदे ने सुना, फिर जिंदगी में उसने खेला नहीं, हलाल पैसों को उसने ठुकरा दिया है। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया, क्या आप ठुकरा नहीं सकते नशे को? हलाल 350 करोड़ हलाल के उसने ठुकरा दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम किया है। न जाने भारत में कितने ऐसे बंदे हैं जो नशे की हालत में अपनी जिंदगी और आने वाले नस्लों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये अल्लाह का हुक्म है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद है कि नशा जो बंदा करता है वो अल्लाह से दूर हो जाता है, हराम है। उलमा से हमने सुना, जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती है। तो हमने इंशाअल्लाह नशा बंद करना है, और गोवंडी में इंशाअल्लाह कोई एक बंदा भी सिगरेट गुटखा और नशे का हाथ नहीं लगाएंगे। आवाज गूंजना चाहिए, जोर से कहिए इंशाअल्लाह, जोर से कहें इंशाअल्लाह, कभी हम सिगरेट हाथ में नहीं लेंगे, आवाज से बोले इंशाअल्लाह, नशे से दूर रहेंगे, आवाज में बोले इंशाअल्लाह। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे बहुत से दोस्त हुआ करते थे, एक दफा मेरे अब्बू ने 10-15 दोस्तों में मुझे पाया, बाजार में खड़ा हुआ था, कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे, मेरे हाथ में सिगरेट नहीं था, लेकिन शायद अब्बू ने यह सोचा मेरा कि मैं भी सिगरेट पी रहा था। वापस जब घर आया मैं, तो मेरे वालिद साहब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो आपने मुझे घर पर बिठाकर एक बात कही, वो आज तक मुझे याद है। मेरे अब्बू ने एक बात कही, बेटा मैं रोजाना घर के बाहर बैठकर आते जाते लोगों की काउंसलिंग करता हूं, नशे से दूर करने की कोशिश करता हूं, सिगरेट छुड़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं नलगुंडे से ताल्लुक रखता हूं, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर जामे मस्जिद ओल्ड सिटी है, बहुत गरीब लोग रहते हैं वहां पर, वहां वाली साहब का काम रोज शाम में चेयर पर बैठकर आते जाते बड़े छोटे हिंदू मुसलमान सबको काउंसलिंग किया करते थे। फिर मुझे कहें कि बेटा मैंने आपको ऐसे बच्चों के साथ देखा जो हाथों में सिगरेट था, और मैं सिगरेट छुड़ाने की बात करता हूं, और मेरा ही बच्चा सिगरेट पी ले तो फिर मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
तब उन्होंने एक बात कही मुझसे, अगर आप सिगरेट पीते भी हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप पी सकते हैं, छुप कर पी सकते हैं, मेरे घर में नहीं पी सकते, मैं रोक सकता हूं, लेकिन जब बाहर आप जाते हो तो आप सिगरेट पियोगे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात सुन ले बाप की। वो बात यह थी, मेरे अब्बू ने कहा था कि अगर आप सिगरेट पीते हो आप तब भी मेरे बेटे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मेरे दिल में वो मोहब्बत नहीं रहेगी जो बाप की मोहब्बत बेटे के लिए रहती है। हो सकता मैं दोस्तों में आकर सिगरेट पीता, लेकिन वो बात ने मुझे ऐसे दिल में बिठा दी है कि कभी सिगरेट को हाथ तो लगाना दूर है, ख्याल तक नहीं आया मुझे कि सिगरेट भी पीने वाली चीज होती है। ये मेरे अब्बू के कहने पर मैंने छोड़ा। क्या आप प्रॉफिट के कहने पर नहीं छोड़ सकते नशा को? क्या आपके दिलों में मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बताएं जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। अगर मोहब्बत है तो नशे से दूर होना है हमने, नशे से हमने दूर होना है। आज हमारी कम्युनिटी जो चैलेंजेस फेस कर रही है, उसमें पहला रीजन, जो सबसे पहला रीजन है, हम अल्लाह से दूर हो चुके हैं। मैं हर तकरीर कुछ सवालात से शुरू करता हूं और हर जगह सवाल रखता हूं, यहां भी रखता हूं मैं, और मुझे मालूम है कि जवाब भी क्या आने वाले हैं, फिर भी मैं रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब दें। क्या आप लोग तैयार है जवाब देने के लिए? क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आवाज से बोले, अल्लाह को मानते हैं आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर मुकम्मल कामयाबी अल्लाह को मानने में नहीं है, मुकम्मल कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने में नहीं है, मुकम्मल कामयाबी अल्लाह की मानने में है, मुकम्मल कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने में है। को तो मानकर हम लोग दायरे में आ गए इस्लाम के, लेकिन जन्नत चाहते हैं, अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात चाहते हैं, तो फिर हमने उनकी मानना है। को मानने से आप दायरे में आ रहे हो, की मानने से जन्नत के दायरे में आएंगे इंशाअल्लाह। आज नियत कर लें सब लोग कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह की भी मानते हैं। आज नियत कर लें सब लोग, हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानते हैं। ये पहला रीजन है आज हमारे कौम की नाकामयाबी हम लोग देख रहे हैं। हमसे दूसरे कम्युनिटी के बंदे बहुत आगे जा रहे हैं। पहला रीजन, अल्लाह से हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, अल्लाह से डिस्कनेक्टेड हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन हमने बनाना है। एक दफा तार लग गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 850 करोड़ लोग मिलकर भी आपको नहीं हरा सकते हैं। दुनिया की पूरी ताकत लग जाए आपकी साजिशों पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके तारे जाकर मिली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये कनेक्शन होना अल्लाह से बहुत जरूरी है, ये कनेक्शन होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत जरूरी है, वरना बेबस हो जाएंगे हम, लाचार हो जाएंगे हम, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कहीं से मदद नहीं आने वाली है। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों से इल्तजा करता हूं, अपना कनेक्शन अल्लाह से बनाएं, अपना कनेक्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनाएं। और दूसरा जो रीजन मैं नाकामयाबी का लेकर आया हूं, आज मैसेज देना चाहता हूं, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दी है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह को तो मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन नमाजें नहीं पढ़ते हैं। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं कहलाता है वो बंदा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो बंदा है जो नमाजें पढ़ता है। नियत कर ले आज इंशाअल्लाह कि सब लोग पांच वक्त नमाज पढ़ेंगे। हम लोग रमजान के मुसलमान नहीं है, हम लोग जिंदगी में जितनी सांसें अल्लाह ने हमने दी हैं उतनी सांसों के मुसलमान हैं हम लोग। जितनी सांसें आपकी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रखे हैं उतनी सांसों के मुसलमान बनना है। हमने एक पल का मुसलमान, एक महीने का मुसलमान नहीं बनना है। और नमाज जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनमें भी बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जो बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ बंदे पढ़ रहे हैं, वो बंदों से मैं अपील करना चाहता हूं कि नमाज आप, मैं और हम सब जो पढ़ते हैं, क्या हमारी नमाज कबूल हो रही?
या नहीं हो रही है। उलमा बताते हैं जो बंदा फज्र की नमाज पढ़ता है और जोहर की नियत करता है और जोहर की भी पढ़ता है तो इसका मतलब फज्र की नमाज में दम था, इसीलिए आपने जोहर की नमाज भी पढ़ी है। तो फज्र के नमाज का फजल रहा आप पर तो आपने जोहर की भी नमाज पढ़ी है। और मैं कुछ चीजें आप लोग के इल्म में ले आना चाहता हूं। नमाज पढ़ने से तीन चीजें, बहुत गौर से सुने आप सब लोग, तीन चीजें आनी बहुत जरूरी। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, आप लोग इशारे वगैरह ना करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा कुछ हो गया, वहां लाइट वाइट के पास ना जाए भाई, उधर लाइट वाइट के पास ना जाए। जहां है मेरी आवाज सब तक जा रही है, मेरी आवाज सुन ले। ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़े, ऊपर कोई खंभों पर ना चढ़े, उन्हें उतार दे, वो बच्चे गिर ना जाए। मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे सुने कि तीन चीजें आना बहुत जरूरी है नमाज पढ़ने से। सबसे पहली चीज पाकीजगी आना बहुत जरूरी है। पाकीजगी अगर आप में नहीं आ रही है तो फिर हमारी नमाज में वो दम नहीं है। अब पाकीजगी का मतलब क्या है, हम लोग नमाज पढ़ते हैं और कभी आपने नमाज बिना वजू पढ़ी है किसी ने? आई डोंट थिंक सो। वजू शर्त है नमाज के लिए, सब लोग वजू बनाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। एक वजू वो होता है जो हम सब बनाते हैं पानी से, लेकिन मैं वो वजू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस वजू की बात कर रहा हूं जिसमें पानी का कोई दखल नहीं है। वजू से जिस्म को साफ किया जाता है, लेकिन मैं जिस वजू की बात कर रहा हूं उससे जिस्म की पाकीजगी नहीं बल्कि दिल और दिमाग की पाकीजगी होनी चाहिए। आज हमारे दिलों में नफरत है, हमारे दिलों में जहर है एक दूसरे के लिए। सगे दो भाइयों में बातचीत नहीं है, सगे दो बहनों में बातचीत नहीं है, रिश्तेदारों में बातचीत नहीं है, नीबर्स के साथ में बातचीत नहीं है, और पांच वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं लोग। अल्लाह सुबहाना उताला को ऐसे सजूद की जरूरत नहीं है, ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है। करोड़ों फरिश्ते हैं अल्लाह के इबादत के लिए। हमने पहले अपने दिल को साफ करना है, हमने अपने जहन को साफ करना है। नमाज के लिए जब आप खड़े होते हैं आपने नियत करना है कि या रब्बुल आलमीन इस बंदे का दिल साफ है, इस बंदे के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है, मेरे खिलाफ बहुत लोग हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे लिए मैं सबको माफ करता हूं, तेरे लिए मेरे दिल को मैं साफ करता हूं। आई हैव नो एनिमीज टुडे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है या अल्लाह। ये दिल को साफ करके जो नमाज पढ़ता है उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। दिलों में नफरत है, मस्जिद के एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सालों से दोनों सलाम कलाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नमाज में कोई दम नहीं है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, मस्जिद के एक सफ में बंदे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, पांच पांच साल से दोनों सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। ये ऐसा मुसलमान मुसलमान नहीं होता है। अपने दिलों को साफ करके फिर वजू बनाना, आपने पहले अंदर का वजू बनाना है इंशाअल्लाह। जब जब नमाज के लिए जाते हैं आपने अपने दिल और दिमाग को साफ करना, जिसमें इंफेक्शन भरा है इसे साफ। ये साफ कैसे होता है? ये नियतों से साफ होता है। नियत आपने करना या अल्लाह तेरे लिए, तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। जैसे मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र था, मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ किया करते थे, या अल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत में हूं, मैं भी माफ करता हूं, मैं भी लोगों को फरगीव करता हूं, मेरे इंफेक्शन को निकाल फेंकता हूं, या अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे। फिर वो आप नमाज पढ़ने लगे, वो देखे वो नमाज की कैसी कैफियत होगी, आपको लगेगा कि ऐसी नमाज कभी जिंदगी में आपने नहीं पढ़ी। इंशाअल्लाह अब के बाद जो भी नमाज ईशा की हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पहले नियत करेंगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर है तो मैं माफ करता हूं, अगर वो कल नजर आता है तो सबसे पहले सलाम मैं करूंगा इंशाअल्लाह। सलाम में वो जादू होता है जो आधी नफरत खत्म कर देता है सलाम। उसके बाद एक कदम आप आगे बढ़ाकर गले मिलते हैं तो पूरी नफरत खत्म हो जाती है। तो ये नफरतें मिटाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, नफरतें बांटने के लिए नहीं आए थे, अमन के लिए आए थे। आपकी अम्मी जान का भी नाम आमेना थे, अमन का गहवारा बन गया था मदीना। तो इंशाअल्लाह हम लोग ये पाकीजगी हम में ले आएंगे, हमारी सोच में पाकीजगी होनी चाहिए,
और हमारे जिस्म में पाकीजगी होनी चाहिए। नमाज से तीन चीजें आनी चाहिए हमें। पहली जो चीज आनी है वो पाकीजगी है, दूसरी जो चीज है वो पाबंदी आनी है। नमाज वक्त पर पढ़ी जाती है, बेवक्त पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप। 6:18 पर मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी है तो मैं 6:15 पर नहीं पढ़ सकता था। मैं चाहकर भी 6:15 पर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकता था क्योंकि 6:18 वक्त था यहां पर, तो 6:18 पर ही नमाज पढ़ना है। तो नमाज हमें क्या सिखाती है? नमाज हमें पाबंदी सिखाती है, कमिटमेंट सिखाती है। और ये बेहतरीन फार्मूला है, जो बंदा कमिटेड होता है, जिस बंदे में कमिटमेंट होता है वो दुनिया को फतेह कर सकता है। आज हमारे में कमिटमेंट नहीं है, इसकी वजह से हम लोग फेल होते जा रहे हैं। कमिटेड बंदे विजनरी होते हैं और इतिहास रचने के लिए, अगर वो मानते हैं मुझे, मानते हैं आप सब लोग, हाथ उठाकर गवाही दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, तो फिर सुन ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आपने फरमाया अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं चाहता हूं, आपसे गलती तो होती है लेकिन दो चीजें मैं चाहता हूं आप कभी ना करें। एक, झूठ ना बोले, दूसरा, धोखा कभी ना दें। एक, झूठ ना बोले और दूसरा, धोखा ना दें। आज हमारे मोहल्लों में जाएं, दुकानों में जाएं, जो बिजनेस में लगे हुए हैं उनके पास जाएं, देखें कितना धोखा हो रहा है बिजनेस में, कितना झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ से हमने बचना है। आपके कमाई में ऐसी बरकत आएगी इंशाल्लाह। अगर आप झूठ बोलकर, धोखा देकर, आपने 50,000 कमाना है, आपने 5 लाख कमा लिया है, तो आपकी औलाद ड्रग एडिक्टेड हो जाएगी, आपकी औलाद कोई जानी निकल जाएगा, आपके औलाद में से कोई चोर निकल जाएगा। क्यों? हराम की कमाई आ रही है ना, झूठ बोलकर कमा रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये 10,000 में मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं अगर झूठ बोलूंगा, मैं धोखा दूंगा, तभी मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा। 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे परेशानियां 10 साल बाद आप देखोगे, जो आपके बच्चे ही आपको खून के आंसू रुलाते हैं। तो हमने पहले अपने सीनों में टटोलना है कि हमने अपनी माजी, अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है। कहीं हमने झूठ तो नहीं बोला, कहीं हमने धोखा तो नहीं दिया। आज आपका बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, तो पहले बच्चे को ना डांटें, पहले आप अपने जमीर में खंगालें, जाकर देखें आप अपने माजी में, अपने पास में कहीं आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई। रगड़े सर जमीन पर, अल्लाह से माफी तलब कर ले, या अल्लाह मुजरिम तेरे बंदा, ये मुजरिम है, मुझसे बहुत से गलतियां हुई है, उसकी सजा मुझे मिल रही है। आज मेरी बच्ची ईमान से दूर हो चुकी है, आज मेरा बच्चा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है। पहले वो वालिदैन बच्चों को डांटने से पहले अल्लाह से माफी तलब कर लें, और जिसको धोखा दिए उसके पास जाकर माफी तलब कर लें, फिर देखें इंशाल्लाह अल्लाह की कैसी रहमत बरसती है, अल्लाह का करम कैसे बरसता है। हमें मालूम नहीं है प्रॉब्लम कहां है, और हम लोग सीधे बच्चों को डांटने लगते हैं, बच्चों को मारने लगते हैं, बच्चों को काउंसलर्स के पास ले जाने लगते हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास लेकर जाते हैं। लेकिन हमने पेरेंट्स को यह देखना है कि आपकी कमाई कैसी है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे। तो सबसे पहले बेहतरीन पेरेंट्स चाहिए। अगर आप लोग, पेरेंट्स तक मेरी आवाज जा रही है, हिंदुस्तान के पेरेंट्स तक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नस्ल अच्छी हो, तो आपने अच्छा होना है पहले। आप चाहते हैं कि आपकी नस्ल कामयाब हो, तो पेरेंट्स कभी झूठ नहीं बोलना है, पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देना है, पेरेंट्स कभी गलत तरीके से पैसा नहीं बनाना है। तो फिर इंशाल्लाह एक मौलाना अबुल कलाम आजाद की लाइन लग जाएगी, फिर इंशाल्लाह सर सैयद की लाइन लगेगी इंशाल्लाह, फिर डॉक्टर एपीजे कलाम की फौज निकलेगी इंशाल्लाह, फिर लीडर्स पैदा होंगे हमारे कम्युनिटी में इंशाल्लाह। ये दो चीजें फॉलो कर ले इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ऐसे वेपन्स हैं, कभी झूठ ना बोले, कभी धोखा ना दे। एक दौर वो था मुसलमानों का जो कोर्ट्स में, अदालतों में एविडेंस के तौर पर कोई बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा, पुलिस इंस्पेक्टर साहब पुलिस के यहां पर बैठी है, उनके प्रेजेंस में मैं ये बोलने की जरूरत करता हूं, हिंदुस्तान का एक ऐसा भी वक्त था जब कोई अदालत में एक बूढ़ा आदमी कुर्ता पजामा दाढ़ी पर गवाह के तौर पर जाता था, तो जज
बगैर तहकीक के उसकी बात को मान लेता था, क्योंकि ये बंदे के चेहरे पर दाढ़ी है, ये कुर्ता पजामा पहना हुआ है, ये सर पर ताज टोपी पहना हुआ है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये धोखा नहीं दे सकता। वो दौर भी हम लोग का था, लेकिन आज वो दौर चला गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स नहीं है। तो आज नियत कर लें गोवंडी के प्यारे बंदो, इंशाल्लाह 13 अक्टूबर ये रात आपने डिसाइड करना है, इंशाल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी धोखा नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे और धोखा नहीं देंगे। अगर हमारी कौम ऐसी हो गई, आप देखना पुलिस डिपार्टमेंट आपको सलूट करेगा। ये क्या कम्युनिटी है, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता है, कोई बंदा धोखा नहीं देता है। तरसना पुलिस वाले कि भाई हमारे पास कोई केस आता ही नहीं मुसलमानों का, क्यों नहीं आ रहा है केस, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम धोखा नहीं देते हैं। जितने गलत काम कर कर लोग पुलिस में जा रहे हैं, ये दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, वो झूठ भी बोलते हैं और वो धोखा भी देते हैं। क्या मैं तवक्को रख सकता हूँ आपसे? ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। मैं एक रिमाइंडर की तरह आप लोग के दिलों में ये बात डालना चाहता हूँ आज, क्या आप लोग जुर्रत कर सकते हैं, ये नियत करते हैं इंशाल्लाह कि कभी हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, कभी हम लोग धोखा नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसी से कामयाबी है। और बहुत से बंदे आज ड्रग एडिक्टेड है, नशे में है, जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। याद रखें, जो बंदा नशे में अपनी जिंदगी तबाह करता है, वो सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह नहीं हो रही है, उसके वालिदैन रोज घुट घुट कर मर रहे हैं। जो नशे में एडिक्टेड हैं, उनके वालिदैन रोज मर रहे हैं। एक वो मौत होती है जो सुपारी लेकर मारा जाता है, किसी बंदे का कत्ल किया जाता है पैसे लेकर, वो एक दफा मारने से मौत हो जाती है। लेकिन यहां बैठे नौजवान बच्चे अपनी मां को, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसका रोज मर्डर कर रहा होता है। बाप जो जन्नत का दरवाजा है, उसका रोज मर्डर कर रहा है वो। इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं साइलेंट किलर्स कहता हूं, जो अपनी हरकतों से अपनी वालिदैन को परेशान करते हैं, वो साइलेंट किलर्स हैं। 40 साल की उम्र है, नौजवान है बाप, बाप के बाजुओं में अभी लड़ने का दम है, लेकिन बच्चों की हरकतों की वजह से, 10वीं जमात अभी आया नहीं है, 8वीं जमात के बच्चे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, 7th 7वीं जमात कौली जवानी है, 10 साल अभी नहीं हुए हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। अब वो 40 साल का बाप अपने 10 साल के बेटे को ड्रग्स में मुलविस देखता है तो वो हिम्मत हार जाता है, और वो माँ को डायबिटीज आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, थायराइड आ जाता है, बीमारियों का एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या फिर वो बच्चे साइलेंट किलर्स नहीं कहलाए जाएंगे? आवाज लगाकर बोले। आपसे वालिदैन को हिम्मत मिलनी चाहिए या फिर वालिदैन आपसे परेशान होना चाहिए? आप लोग वालिदैन की ताकत बने। 350 करोड़ खबीब ने मां के कहने पर हलाल पैसे, ऐसा बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बादशाह जो कभी हार नहीं देखा, उसने हलाल पैसे ठुकरा दिए हैं। हारने पर भी मिलने वाले थे, पार्टिसिपेट करने पर मिलने वाले थे, लेकिन उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां मां बाप इल्तिजा करते हैं रोज कि नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, नशा छोड़ दें, लेकिन कोई नौजवान सुन नहीं रहा है, नशे में मुलविस है। और कमजोर बच्चे पैदा होंगे, बेबस बच्चे पैदा होंगे, बीवी की जिंदगी खराब कर दोगे। अब वो जो ड्रग एडिक्टेड नौजवान बच्चा है, वो शादी तो करेगा, जवान है, जज्बात है उसमें। अब वो बिचारी जो शादी करती है, बड़े ख्वाब बड़े अरमान लेकर आती है, लेकिन चुकना चूर हो जाते हैं तमाम ख्वाब, क्योंकि ये ड्रग्स में जो इन्वॉल्व है वो बीवी को मारता है, बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, बीवी को खुशी नहीं देता है, और फिर बच्चे भी पैदा कर लेता है, बच्चों को तालीम नहीं देता है, बच्चों को मोहब्बत नहीं करता है, फिर वो बच्चे आवारा निकलेंगे। ये रूट कास को हमने समझना है, जड़ से निकालना है इंशाल्लाह। मैं अबू आसिम साहब से इल्तिजा करता हूं, एक मुहिम चलाए इंशाल्लाह गोवंडी में, और यहां पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूं। मेरा सूरत में एक वर्कशॉप हुआ था, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए थे, अहमद भाई यहां तशरीफ फरमा है तोप में,
आपने ये प्रोग्राम करवाया था अपने दोस्तों के साथ में, 35,000 का मजमा था, पुलिस इंस्पेक्टर नॉन मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था, सारे मुसलमान 35,000 मजमा था, वो खड़े होकर बोल रहा है अल्लाह की कसम, भगवान की कसम, मुनव्वर जमा सर का लेक्चर सुनने के बाद कोई नौजवान ड्रग्स में फिर पकड़ा जाता है, छोड़ूंगा नहीं, अम्मियों से वादा कर रहा हूं मैं, आपके बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, आप अपने बच्चों को सुधार लें, वो वादा किया है। वो 6-7 मिलियन लोग सोशल मीडिया पर देखे हैं मेरे चैनल पर। एक दफा मेरा फोन आता है अहमद भाई के पास, मैं गया सूरत में कुछ काम से, वो इंस्पेक्टर साहब को पता चला कि मैं सूरत आया हुआ हूं उस प्रोग्राम के 6 महीने बाद, वो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में कहते हैं, गुजरात की पुलिस है, वो कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, आपके पास कितने टॉपिक्स है बात करने के। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत काम भी करते हैं, आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स को आपने बिठाया और मुझे कहा कि आप इन्हें मोटिवेट कीजिए। अल्लाह ने वो इज्जत इस बंदे को दी है, वहां जाकर भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अवाम से मोहब्बत करना सीखें तो फिर अवाम गिरविदा हो जाएगी आपकी। और माशाल्लाह इंडिया की पुलिस बहुत तेजी से चेंज हो रही है, बहुत जबरदस्त चेंज हो रही है। हमने तेलंगाना में देखा फ्रेंडली पुलिस है, जहालत नहीं करती है, जुल्म नहीं करती है, पहचान लेती है कि कौन बंदा इसमें खता करा हुआ है, उसी पर तंग करती है, लेकिन जो बंदा मुजरिम नहीं होता है उसको विथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करती है। और पूरे इंडिया में धीरे धीरे होते आ रहा है ये फ्रेंडली पुलिस वाला, और हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। आप इमेजिन करें हिंदुस्तान की अगर पुलिस है, लाखों में है, कितने लाख मुझे नहीं पता, अगर 24 घंटे वो छुट्टी ले लें और पिकनिक पर चले जाओगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स, मैं पूरे तजुर्बे से कहता हूं हिंदुस्तान का पॉपुलेशन आधा हो जाएगा, लड़ लड़ कर मर जाएंगे। तो हमारी हिफाजत माशाल्लाह पुलिस कर रही है, सलूट करते हैं हम इंडियन पुलिस को। मैं पूरे जज्बात से कह रहा हूं और सही कह रहा हूं, हम में वो दुश्मनियां हैं, वो गंदगियां हैं, वो जहर हमने पाल रखा है एक दूसरे के लिए। अगर पूरी इंडिया की पुलिस छुट्टी पर चले जाए सिर्फ 14 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए, लड़ लड़ कर मर जाएंगे। ये धूपों से लड़ते हैं, ये बारिशों में काम करते हुए हैं, ये ट्रैफिक पुलिस, ये कैसी गर्मियों में रोज 24 घंटे आप काम करके दिखाए मुझे, 24 घंटे जो पुलिस ट्रैफिक में खड़े होकर जो जहरीली गैस इनहेल करते हैं, सलाम करता हूं मैं मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को, कैसा ट्रैफिक होता है यहां पर, कैसा पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन की जो गैस, जो जहर है, वो अपने नाकों से फेफड़ों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए रास्ता बना रहे हैं। किसके लिए रास्ता बना रहे हैं? मासूम बच्चे स्कूल जाएं, रास्ता क्लियर करते हैं, वालिदैन ऑफिस जाएं, रास्ता साफ रखते हैं। पाकिजगी आधा ईमान है। मैंने सुना यहां के इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर यहां बहुत गरीब लोग होते हैं, गोवंडी में बहुत चैलेंजिंग लोग हैं, गरीब तबका है, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर हैं, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कचरा उठाते हैं। मैंने कहा कि जो भी कचरा उठाता है रोजे कयामत में अल्लाह उन्हें बड़े इनामों से नवाजने वाला है, इसलिए कि पाकिजगी आधा ईमान है। आप सड़कें साफ रख रहे हो, आप सड़कें साफ कर रहे हो, ये म्युनिसिपैलिटी का जो डिपार्टमेंट है सुबह 4 बजे उठकर सड़कों को साफ रखते हैं ताकि जब आप दरवाजा खोलें सड़क साफ नजर आए आपको। जो गंदगी हम फेंकते हैं वो ट्रैफिक पुलिस वाले और जो भी मजीद जो काम करते हैं कचरा उठाने वाले, उन बंदों को मुनव्वर जमा का सलाम, बहुत बड़ा काम है। एक दिन मैं और आप नहीं कर सकते हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, और कभी हम इज्जत नहीं करते हैं उनकी, हमने इज्जत करना है। भारत को अगर चमकाना है आपने, कम्युनिटीज को अगर चमकाना है आपने, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हमने सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने ऑनर करना है। अच्छाई बुराई हर जगह है, ऐसे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही खराब होते हैं, बाकी सारे लोग अच्छे होते हैं। अगर ऐसी बात है
तो धोखा सबसे ज्यादा बिजनेस में होता है, और बिजनेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं करते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस करने वाले बहुत है, फिर धोखा कहां है, बिजनेस में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि आप धोखा नहीं दे सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, अच्छे और बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, और बुरे लोगों को देखकर हमने अच्छे लोगों से दूरी नहीं करना है। गवर्नमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं, पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, म्युनिसिपैलिटी में बहुत अच्छे लोग हैं, एक कदम तो आगे बढ़ाकर तो देख, एक सलाम कभी जिंदगी में करके देख, फिर इंशाल्लाह वो लोग भी कैसे गिरविदा हो जाते हैं आप पर। हमने इतिहास बदलना है इंशाल्लाह, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ जी, पुलिस साहब इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया था यहाँ गरीब लोग बहुत होते हैं। मेरे एक दोस्त थे बड़े कामयाब बिजनेसमैन, वो हमेशा मुझे कहा करते थे, और जब पहली दफा कहें तो बड़ा ताजुब किया मैंने। उन्होंने कहा कि सर इस दुनिया में कोई गरीब ही नहीं है। मैं परेशान हुआ कि ये बंदा बोल क्या रहा है कि कोई गरीब ही नहीं है, और हम कार में जा रहे हैं, एक बंदा भीख मांग रहा था। मैंने कहा कि भैया जो बंदा भीख मांग रहा है क्या ये गरीब नहीं है आपकी नजर में? तो वो मुस्कुराए। फिर मेरी कार, हमारी कार आगे गई, एक बंदा छोटी सी रेड़ी पर कुछ बेच रहा था और कपड़े बड़े फटे हुए थे, तो मेरे दोस्त ने जो कहा था मैंने उनको रिमाइंड किया, मैंने पूछा ये जो रेड़ी पर फटे कपड़ों में कुछ बेच रहा है ये क्या आपके नज़दीक अमीर है, ये गरीब नहीं है? तो मेरे दोस्त ने फरमाया सर मैंने ये तो नहीं कहा कि ये अमीर है, मैंने कहा कि ये गरीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि माजरा क्या है बताएं। मैंने सड़क पर कितने लोगों को दिखाया जो लाचार थे, जो बेबस थे, क्या ये गरीब नहीं है? तो फिर वो दोस्त ने जो बात बताई है वो सच है या गलत है, इसका फैसला मैं नहीं करता हूं, इसका फैसला आपने करना है। मेरे दोस्त ने कहा ये जो भीख मांग रहा है ये उसकी चॉइस है, उसने अपनाया है उसको, वो जो बेगिंग बॉल होता है ना, हैदराबादी जुबान में उसको चिप्पा कहते हैं, हाथ में कटोरा लेकर पैसे मांग रहा है, ये उसकी चॉइस है, ये उसने थामा है हाथ में। काश पेन और किताब पकड़ लेता तो डॉक्टर एपीजे कलाम भी बन सकता था, ये चॉइस है। इसीलिए बिल गेट्स ने कहा इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। गरीब होकर पैदा होते हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरते हो तो ये आपकी गलती है। वो गलती इसलिए बिल गेट्स कह रहा है क्योंकि अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आपको दो पैर दिए हैं, अल्लाह ने आपको दो आंख दिए हैं, अल्लाह ने आपको एक जबरदस्त दिमाग दिया है, इसका आपने अगर कीमत लगाना है, गिन गिन कर पैसे थक जाओगे, कीमत नहीं लगा सकते हो आप। एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट हियर इज प्राइसलेस। यहां जितने बंदे हैं आप लोग अनमोल हैं, आपकी कोई कीमत नहीं है। आईफोन की कीमत है 1.5 लाख रुपए, लेकिन यहां एक एक बंदा जो बैठा है उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी कीमत 1 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 1000 करोड़ नहीं है, आप प्राइसलेस, आप अनमोल है। यह अलग बात है कि आपने खुद को पहचाना नहीं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान दो बहुत बड़े गलती करता है, एक खुद को नहीं पहचानता और दूसरा खुदा को नहीं पहचानता। जो बंदा खुदा को नहीं पहचानता और खुद को नहीं पहचानता वो यहां भी काम ही नाकाम हो जाएगा और वो रोजे कयामत में भी नाकाम होगा। खुदा को नहीं पहचानने का मतलब ये नहीं कि खुदा से इनकार करना, खुदा को जानता है लेकिन खुदा की ताकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की अजमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की रहमत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की बरकत को नहीं पहचान रहा है, खुदा की आजमाइश को नहीं पहचान रहा है। आजमाइश को भी हमने पहचानना है, उस पर भी हमने ईमान ले आना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ने से आप इस्लाम के दायरे में आते हो, लेकिन ईमान 7 चीजों पर ले आना है, 7 किताबों पर ले आना है जो 4 किताबें नाजिल हुई है, और प्रॉफिट्स पर भी ले आना है। 7 चीजों में एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके इल्म में आज ले आना चाहता हूं जिसके शिकार है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हम ईमान अल्लाह पर तो ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ले आते हैं, कुरान पर ले आते हैं, रोजे कयामत पर ले आते हैं, और
मौत पर भी हमारा ईमान है लेकिन मुखद्दर पर हमारा ईमान नहीं है। जब कोई परेशानी आती है तो हम सीधे मायूस हो जाते हैं और शिकवे करने लगते हैं अल्लाह सुबहान व तआला से कि ये मेरे साथ ही जुल्म क्यों हो रहा है। हमने ईमान मुखद्दर पर भी ले आना है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है तो किसी से छीन कर आजमाता है, और जिसको छीन कर आजमाता है अगर वो बंदा सब्र कर लेता है और वो बंदा पाबंद रहता है, उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, तो फिर वो बंदा रोज़े क़यामत में अल्लाह के बहुत पास रहने वाला है। लोग बहुत शिकवाएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सुबहान व तआला सबको नवाज रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ऐसी शिकायतें बहुत सारे लोग करते हैं। हम कामयाब उस बंदे को समझते हैं जिसके पास पैसा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास इतना पैसा, हैदराबाद में एक बंदे की मौत हुई है, मौत होने के 3 महीने के बाद उसका बेटा आया है, बंटवारा हो रहा था, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, जब पता चला तो उसके लिए वो उसका बेटा आया है। जब बाप की मौत हुई थी तो मौत जनाजे की नमाज के लिए, तदफीन के लिए बेटे के पास वक्त नहीं था, अमेरिका में था, लेकिन यहाँ बंटवारा हो रहा था प्रॉपर्टी का तो फौरन चला आया। तो वो हजार करोड़ आपने बना लिए और जब आपकी मौत हुई, आपका नौजवान बच्चा आपके पास नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की, आप क्या इसे कामयाबी कहते हो? ये कामयाबी नहीं है। लोग समझते हैं कि फकत कामयाबी पैसों में है, कामयाबी पैसों में नहीं है, कामयाबी सब्र में है, कामयाबी सच्चाई में है, कामयाबी मोहब्बत में है, कामयाबी इंसाफ में है। जो बंदे इंसाफ करते हैं भले वो हार जाते हैं, भले वो कामयाबी से यानी प्रोग्रेस से महरूम रहते हैं, लेकिन वो सच ही बोलते हैं हमेशा, अल्लाह के नज़दीक ये इंसान बड़े कामयाब होते हैं। और मैं एजुकेशन पर कुछ अहम बातें मैं रखना चाहता हूं क्योंकि गोवंडी एक ऐसा मकाम है जहां ज़्यादा लेबर्स रहते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। मुझे पुलिस साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था यहाँ मजदूर बहुत होते हैं, मजदूर का काम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है, और एक ऐसे भी मजदूर होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं जी, तो ऐसे भी मजदूर होते हैं जो मकानात बनाते हैं, एक घर बना, 2 घर बने, 3 घर बने, 4 घर बने। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अपने जिंदगी में 200, 300, 400, 500 मकान बनाने में उनकी मेहनत लगी, रोज के 400, 500, 600 रुपए लेते थे, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स वो लोगों ने बनाए, मेहनत तो किए हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त में उनके जहन में एक थॉट, एक ख्याल उन्हें नहीं आया कभी, वो ये नहीं आया कि मैं लोगों के तो घर बना रहा हूं, मेरा घर मुझे कब बनाना है और मेरा घर बनाने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपको यहां लेबर्स हैं जिनके जाति मकानात नहीं हैं, उनके लिए मैं एक इल्तिजा करता हूं कि आप दूसरों के लिए बहुत मेहनत करते हो, खुद के लिए कभी सोचते नहीं हो, खुद का भी अगर मकान चाहते हो तो आपने जो पहला मैसेज अल्लाह का इकरा, इल्म हासिल करने वाला जो मैसेज आया है ना, उस मैसेज के एम्बेसडर आपने बनना है, दीन और दुनिया की तालीम आपने हासिल करनी है। कामयाबी याद रखें सिर्फ एजुकेशन में है। आज मैं बहुत से नौजवान बच्चों को ये कहते हुए सुना कि मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है, मैं तो बाप का बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस से पैसा मिलता है, बिजनेस से घर नहीं बनते हैं, घर जो बनते हैं वो एजुकेशन से बनते हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर के अलावा इंग्लिश प्रोनंसिएशन भी पढ़ाता हूं, पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता हूं। मेरे एक उस्ताद जिनका रोड एक्सीडेंट में दुबई में इंतकाल हुआ है, बड़े रईस, हैदराबाद में सबसे पहला कंप्यूटर खरीदने वाले मेरे ही उस्ताद सलमानी साहब, राजीव गांधी लेट प्राइम मिनिस्टर,
उनके बड़े खास दोस्त भी थे, तो आपने एक बात मुझे बताई थी, एक सवाल उन्होंने पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? एक घराना है, उस घर में पांच बच्चे रहते हैं, नौजवान बच्चे, पांच। कितने रहते हैं? पांच। एक बंदा जज है, जज, हाई कोर्ट का जज बना है। दूसरा बंदा साइंटिस्ट बना है। तीसरा बंदा आईएएस ऑफिसर बना है। चौथा बंदा डॉक्टर बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। और पांचवा बंदा इंजीनियर है, नासा के लिए काम करता है। एक बंदा डॉक्टर है, एक बंदा इंजीनियर है, एक बंदा साइंटिस्ट है, एक बंदा आईएएस ऑफिसर है और एक बंदा जज है। उस घराने को आप कौन सा घराना बोलते हो? जोर से आवाज दें, आवाज दें। उस घर को आपने अगर नाम देना है तो क्या नाम दोगे? मैंने कहा था कि ये एजुकेटेड घर है, आपका क्या कहना है? आवाज में बोले, एजुकेटेड घर बोलते हैं ना। लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि मेरे अब्बू ऐसे घर को एजुकेटेड घर नहीं बोलते थे। अगर वो घर में जरूर पांच लोग बड़े पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल भी अगर वही नक्शे कदम पर चलती है, फिर दूसरी नस्ल भी चलती है, फिर तीसरा जनरेशन भी चलता है, चौथा जनरेशन भी ऐसा ही चल रहा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दस जनरेशन में भी सारे बंदे जजेस बन रहे हैं, सारे बंदे आईएएस बन रहे हैं, सारे साइंटिस्ट बन रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि वो पढ़ा लिखा घर है, वो एजुकेटेड घर है। एक घर में कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए तो वो एजुकेटेड घर नहीं है भाई। नस्लों में जाना है एजुकेशन, हड्डियों में जाना है, गुदों में जाना है हमारे एजुकेशन। इसके लिए हमने कुर्बानियां देनी है। जो आप समझते हो ना कि पढ़ाई से क्या मिलेगा, पढ़ाई से अखलाक मिलता है, पढ़ाई से तमीज मिलती है, पढ़ाई से सब्र सीखता है इंसान, पढ़ाई से इंसान को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं हैदराबाद से आता हूं, एक स्कूल है हैदराबाद पब्लिक स्कूल, उस स्कूल में एक लड़के ने पढ़ाई की है और उस बंदे की आज सैलरी एक साल में 500 करोड़ है। कितने हैं भाई? 500 करोड़। उसने अपनी हाथ में पेन को थामा, किताब को थामा, स्कूल के बैग्स उसने पकड़े, लैपटॉप उसने छुआ, तो उसका साल में उसकी कमाई 500 करोड़ है। वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है आज, सत्या नडेला, जिसका फाउंडर है बिल गेट्स। गूगल जानते हो आप सब लोग? हाथ ऊपर करें, कितने लोग गूगल को जानते हो? गूगल के सीईओ को कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करें, नाम बताएं जोर से, गूगल का सीईओ कौन है? हाँ जी, सुंदर पिचाई है, तमिलनाडु का बंदा है। साल में उसका पैकेज है 1000 करोड़। आप रोड पर धंधे करते हो, छोटे छोटे बाप के बिजनेस करके आप जाते हो दुकानों पर, बैठते हो काउंटर पर, 500-1000 रुपए कमाकर खुश होते हो? इसके लिए पैदा नहीं हुए आप, नस्लों को चलाने के लिए पैदा हुए। ये रिस्क तो अल्लाह सुबहाना उताला के वादे हैं, अल्लाह देकर ही रहेगा, लेकिन आपकी नीयत यह होनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 घर चलाऊंगा इंशाअल्लाह। ये पढ़ाई से ही मुमकिन है, ये एजुकेशन से ही मुमकिन है। बिजनेस भी करना है तो आपने एजुकेशन लेना है, जिसका नाम MBA है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है CAT, CAT, CAT। बड़ा ही टफ एग्जाम होता है और हिंदुस्तान में कुछ 20-25 ऐसे कॉलेजेस हैं, IIMs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई का भी बड़ा मशहूर है, अहमदाबाद का भी कोई मशहूर है। वहां जाकर कोई बंदा अगर 2 साल MBA कर लेता है ना, उसका जहन ऐसा वसी हो जाता है, इतना विजनरी बंदा होता है। नौजवान बंदे 25 साल नहीं है, जवान बंदे हैं, 25 साल उम्र है और वो लोग, वो बंदों का पैकेज करोड़ों में है, करोड़ों में कमा रहे हैं। ये जो बंदे उबर है, ओला है, जोमैटो है और न जाने कितनी चीजें आई हैं, ये तमाम चीजें किसने इजाद किए हैं? ये एजुकेशन से आए हैं।
और जो बंदे आईफोन के दीवाने हैं, वालिदैन से लड़ते हैं, वालिदैन से बगावत करते हैं, वालिदैन को मारते हैं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, तो ऐसे नौजवानों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आईफोन बनाने वाले बन जाए आप, आईफोन खरीदने वाले कभी मत बने। आईफोन बनाता भी है ना कोई बंदा, वो इंजीनियर कहलाता है, वो एजुकेशन से हासिल होता है। आप बनाने वाले बने, मांगने वाले ना बने। मर्सिडीज कार गरीब बंदा है, लेकिन हर गुजरती कार पर उसकी नजर पड़ती है, वाओ क्या कार है। कोई लग्जरियस कार गए ना, नजर जब तक कार पर है तब तक देखता रहेगा। जिंदगी में कभी खरीद नहीं सकता लग्जरियस कार, क्यों? उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा है, उसकी सोच ही नहीं है बंदे को, सिर्फ कारों को देखने के लिए पैदा हुआ है। कार बनाने वाले बने आप लोग, इवन मैकेनिक भी बन जाएं आप मर्सिडीज बेंज के, आपके सैलरी 2-2 लाख होगी, क्योंकि उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना पड़ेगा। एजुकेशन से मोबाइल्स, एजुकेशन से लग्जरियस कार वजूद में आए हैं। ये जो लग्जरियस कार्स रोड पर देखकर आप वाव बोलते हो, आईफोन के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते हो, ये बिजनेस की वजह से नहीं बने, ये एजुकेशन की वजह से बने। एजुकेशन की वजह से वो बंदा बिजनेसमैन बना, स्टीवन जॉब्स। पहले उसने तालीम हासिल की है, उसके बाद बिजनेस किया है। आप लोग से अपील करता हूं, हाथ में कलम ले लें, हाथ में किताब ले लें, भले एक वक्त खाना खाएं आप, एक वक्त खाना खाएं, 2 दिन की कुर्बानी दें। हो सकता है कि आपके नसीब कामयाबी नहीं है, लेकिन ये बंदा वादा करके जाता है आपकी नस्ल कामयाब निकलेगी इंशाल्लाह, आने वाले जनरेशन कामयाब हो जाएंगे अगर आप किताब ले लेते हो, अगर ज्यादा मेहनत करते हो, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर लेते हो, तो हो सकता है कि आप ही के हयात में आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अपनी कामयाबी नहीं भी देख सकते हो ना, तो आपकी नस्ल जरूर कामयाब देखेगी, और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेशन से। एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन इंसान को सिंपल बनाता है, हम्बल बनाता है। जो अभी हाल में इंतकाल फरमा गए रतन टाटा, कैसे जबरदस्त बिजनेसमैन आप थे। रतन टाटा मुंबई में रहते थे, अंबानी साहब भी मुंबई में रहते हैं। अंबानी साहब के जो एम्प्लॉयज हैं, मैं समझता हूं कि 2 लाख होंगे, और रतन टाटा जी के जो एम्प्लॉयज थे वो 10 लाख, 5 गुना ज्यादा। तो वो कहते थे कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं घरें चलाता हूं, मैं घरें बनाता हूं, मैं मकानात चलाता हूं। वो बिजनेसमैन नहीं थे, उनसे कई घर चलते थे, कई चूल्हे आबाद थे, कई घर आबाद थे। बनो तो ऐसे बने जो हजारों लोगों का फायदा हो। आप इस दुनिया में जी रहे हो, आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशन से ही इंसान को ये विजन मिलता है, ये मिशन मिलता है। तभी तो जाकर हैदराबाद का एक लड़का 500 करोड़ बना रहा है, चेन्नई का एक लड़का 1000 करोड़ बना रहा है, और मजीद कितने सीईओज बने हुए इंडिया के टैलेंटेड बच्चे हैं। वो भी अगर चाहते तो वो सिगरेट नशे में जा सकते थे, लेकिन वो लोगों ने ठुकराया है, वो लोगों ने किताबों को पकड़ा है। मैं अंग्रेजी जुबान सीखा 28 साल में। 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का डिफरेंस नहीं पता था मुझे। मैंने 28 साल में मेरी अक्कल ठिकाने पे आई। मैं 3 साल मेहनत करके अंग्रेजी जुबान दिन रात लिख लिख कर मेरे हाथ दुखते थे, इतना लिखता, इतना मेहनत करता। तो आज मुझे अल्लाह सुबहान व तआला ऐसे मौके दिए हैं, जो इमाम हरम की फैमिली को जाकर मैंने कम्युनिकेशन स्किल सिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रियाद के चीफ जस्टिस और उनके फैमिली को मैंने कम्युनिकेशन स्किल सिखाए हैं। दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर्स को मैंने कम्युनिकेशन स्किल सिखाए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मैंने वर्कशॉप किए हैं। हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स घूम घूम कर पढ़ाया, और वो अल्लाह सुबहान व तआला मेरी मेहनत देखें। और आज इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अफ्रीका से, न जाने कहां कोने कोने से बच्चे मेट्रोपोलिस होटल में आते हैं, 1 महीना रुककर ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन आया जिसका $2.5 बिलियन
उसका टर्नओवर है साल का 17,000 करोड़, वो भी आकर एक महीना ट्रेनिंग लेकर गया। मैंने पूछा, सर जी आप चाहते तो मेरे जैसे 1,000 ट्रेनर्स को आप अपने घर बुला सकते हैं, आप दुबई से आकर मेरे पास हैदराबाद एक महीना रहकर ट्रेनिंग लेकर जा रहे हो, क्या माजरा है? तो उस बंदे ने कहा कि सर बिजनेस में इतना मशगूल हो गया हूं आंख से आंसू नहीं जाते हैं। जब आपकी वीडियोस देखता हूं तो जो नौजवान बच्चे बैठकर रोते रहते हैं तो मैं हमेशा सोचता कि अल्लाह मुझे भी ऐसे आंसू निकाल, मुझसे भी। तो निकलते नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा उस महफिल में बैठूंगा और रोऊंगा। सर मैं यहां रोने के लिए आया हूं, अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं आया हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये बंदे नौजवान बच्चे मेरे पास आते हैं, आकर तरबियत के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं। उन सारे लड़कियों का नाम मैं अमतुल्ला रखता हूं, सारे लड़कों का नाम अब्दुल्ला रखता हूं। और जब स्टेज पर आते हैं कोई किसी को नाम नहीं बताता है, सब बंदियों का नाम अमतुल्ला अल्लाह की बंदी, सब बंदों का नाम अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। क्योंकि शुरू शुरू में कोई बंदी आकर स्टेज पर अस्सलामु अलैकुम और अपना नाम बोलती कि आई एम रेशमा, तो उस वक्त में सारे बच्चों के पास फोन हुआ करते थे। अब मैं 48 आवर्स में 1 घंटे के लिए बच्चों को फोन देता हूं, और आज बच्चों को फोन देता हूं तो उस दिन लड़कियों को फोन नहीं देता, दूसरे दिन लड़कियों को फोन मिलता है। वो इसलिए कि शुरू शुरू वर्कशॉप्स में तरबियत के लिए बच्चे आते थे और बच्ची अपने इंट्रोडक्शन में आयाम रेशमा कहती, तो अब वो नौजवान बच्चे रात में जाते हैं कमरों में होटल के, फोन खोलते इंस्टाग्राम, रेशमा टाइप करते हैं। अब 5,555 रेशमा के अकाउंट्स खोलते हैं, उसमें वो कौन सी रेशमा जिसको आपने स्टेज पर देखा, वो फिल्टर करने में 3 घंटे लग जाते हैं उसको। और वो इंट्रोडक्शन में कह रही थी कि ये आई एम फ्रॉम दिल्ली, अब उसको मुंबई की रेशमा दिख रही तो वो डिलीट कर रहा है, उसको कर्नाटका की रेशमा दिख रही है, उसको उत्तराखंड की रेशमा दिख रही है, फिल्टर करने में 3 घंटे लग गए। बाद में जाकर उसको दिल्ली के 55 रेशमा मिले, अब वो 55 रेशमा पर फिर रिसर्च कर रहा है बंदा 2 घंटे के, वो बंदी कौन थी, उसको वो लंबी थी, ये सब लोग की हाइट बड़ी छोटी है, और 2 घंटे लगा दिए उसने, पूरे 6-7 घंटे उसने मेहनत करके रेशमा को हासिल किया। यानी ये वही रेशमा है जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है। कसम खुदा की इतनी मेहनत आप किताबों में कर लेते तो डॉक्टर एपीजे कलाम बन जाते हैं, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाते हैं। लेकिन गलत चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं एक बात पूरे अश्योरेंस से कहता हूं, नौजवानों में अल्लाह ने जबरदस्त एनर्जी दी है। वो नौजवान चाहे गरीब, वो नौजवान चाहे बिलेनियर हो, हर नौजवान, वो नौजवान जो झोपड़पट्टी में रहता है, वो नौजवान जो स्लम्स में रहता है, वो नौजवान जो हाईटेक सिटीज में रहता है, सारे नौजवानों को अल्लाह ने एक तोहफा दिया है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अल्लाह की तरफ से, सब नौजवानों को अल्लाह ने एक बहुत अनमोल, बहुत जबरदस्त तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है एनर्जी। हर एक नौजवान में जबरदस्त एनर्जी होती है, लेकिन अफसोस नौजवान बच्चे वो एनर्जी किस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ड्रग एडिक्टेड हो रहा है, कोई गंदे चीजें देख रहा है तो वो फोन मूवीज का एडिक्ट बन रहा है, कोई चोरी में लगा हुआ है वो चोर बन रहा है, कोई गाली गलौच में लगा हुआ है मर्डर कर रहा है तो वो कत्ल 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 पे कत्ल किए जा रहा है। 5,000 रुपए में लोग आज कत्ल करने के लिए तैयार है, सुपारी लेते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कहते हैं, 5,000 रुपए भी। इंडिया में ऐसे भी बंदे हैं जो 5,000 रुपए लेकर एक बंदे का कत्ल करके एक औरत को बेवा बनाने के लिए 5,000 रुपए ले रहा है, एक मां को बेसहारा बनाने के लिए 5,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कुछ बच्चों को यतीम बनाने के लिए 5,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। लानत नहीं तो क्या ऐसे बंदों पर, 5,000 रुपए के लिए आज वो बंदा एक औरत, एक भारत की नारी को वो बेवा बना रहा है, एक बूढ़ी मां को बेसहारा बना रहा है, 4-5 मासूम बच्चों को वो यतीम बना रहा है।
सिर्फ 5,000 रुपए के लिए आप घर को तबाह कर रहे हो। ये एजुकेशन अगर आप सही लेते हो तो फिर आप कभी ऐसे दूसरों का घर नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से टीचिंग्स दिए हैं, उनमें मैं एक टीचिंग पर फोकस करना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु डू नॉट हार्म अदर्स विद देयर टंग एंड विद देयर हैंड्स। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी जुबान से और अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देते। आज हम कितने लोग को गाली देते हैं, कितने लोग को हम धमकाते हैं, डराते हैं, हाथ से मारते हैं, गीबत करते हैं, तो लोगों को तकलीफ हम दे रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते हैं हम आशिक रसूल है, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अगर आप मानते हैं, आपने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देना है। अगर आप मानते हैं तो आप अपनी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये जितना मजमा है, ये सारे मजमे को गवाह रखकर मैं कहता हूं, मैं 2008 से 2024 तक कमोपेश 3,00,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया। अबू आसिम साहब, मैं क्लास में ना घड़ी लेकर जाता हूं ना छड़ी लेकर जाता हूं। आज भी देखें कोई घड़ी नहीं है, कोई छड़ी नहीं, कोई घड़ी नहीं। 3,00,000 बच्चों पर कभी मैंने एक दफा भी हाथ नहीं उठाया। टीचर हाथ उठाने के लिए नहीं, टीचर मोहब्बत का पैकर होता है, टीचर मोहब्बत का एम्बेसडर होता है, टीचर डिसिप्लिन सिखाने वाला होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारकर इस्लाम को दुनिया में स्प्रेड नहीं किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत के जरिए से फैलाया है। अगर यह मेरा मैसेज टीचर्स तक जा रहा है तो सुन ले तमाम टीचर्स, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले बच्चों के दिल में मकाम बनाए। आप पढ़ाना बहुत आसान है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, पहले आप दिलों में जगह बनाए, दिलों को फतेह करें। आई ट्राई माई बेस्ट टू विन द हार्ट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स बिफोर आई ओपन माई माउथ इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मेरी जुबान चलने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मैं जगह बना लूं। अगर आपने, टीचर्स ने बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, मेहनत खुद ब खुद बच्चे करने लगते हैं, पागलों की तरह बच्चे मेहनत करने लगते हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। गोवंडी के अगर टीचर्स हैं तो आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोवंडी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेवोल्यूशन ले आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जहालत का जमाना था, लोग गुने पे गुना किया करते थे, लड़की पैदा होती तो सीधे कत्ल किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आपने लड़की का डेफिनेशन दिया है। आज पूरी दुनिया वाले वुमेन राइट्स पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर हर कंट्री में बड़े बड़े एनजीओस काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं और भारत सरकार के भी जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारा नारा है, लेकिन 1450 साल पहले जब लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। अपशगुन समझ में आता था लोगों को, तो जिंदा दफनाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने डिफाइन किया कि लड़की किसको कहते हैं। आपने बताया कि लड़की अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लड़की अल्लाह की रहमत है। अगर आप लड़की को मारते हो तो आप अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। आपने डिफाइन किया लड़कियों को। तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो हाथ लड़कियों को दफन करने के लिए चलते थे वो हाथ आसमानों की तरफ चलने लगे, वो दुआ करने लगे, अल्लाह से भीख मांगने लगे, या अल्लाह मेरे घर बेटी दे दे। कुछ दिन पहले वही हाथ से बाप दफनाता था बेटियों को, और कुछ दिन बाद वो अल्लाह से भीख मांगने लगा कि या अल्लाह मेरे घर रहमत भेज दे। ये जादू कैसे हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है। जितनी औरतें वो मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम्स हो, सलूट करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने डिफाइन किया है औरत को, आपने बताया है कि ये बेटी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। और जब बेटी बड़ी होती है, जवान हो जाती है, और जब उसकी शादी होती है
तो वो अपने हस्बैंड के ईमान को कामिल मुकम्मल करती है। यानी अगर कोई नौजवान बंदा शादी नहीं किया अपने जिंदगी में, वो बैचलर ही है, शादी नहीं किया उसने, और किसी लड़की से शादी करता है तो वो लड़की की बरकत से उसका ईमान पूरा हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है उसका, तो वो शादी करके अपने हस्बैंड के दीन को मुकम्मल कर रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने लड़कियां माजी में हजारों साल पहले से आज तक जितनी लड़कियां शादी की है, मुनव्वर जमा का सलूट उन तमाम औरतों को, आपने करोड़ों औरतें करोड़ों मर्द हजरात के दीन को मुकम्मल किया है माशाल्लाह। और जब आप कुछ साल बाद मां बनती है, फिर अपने कदमों में जन्नत फैला देती है। बच्चों की जन्नत कहां होती है? मां के कदमों में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माशाल्लाह, कि बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, शादी करती है तो उसके हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल करती है, मां बनती है तो मां के कदमों में जन्नत होती है। जितनी औरतें हैं खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खड़े हो जाएं ऑनर में, क्या मुकाम आपको अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है माशाल्लाह, गिरविदा हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मार दिया जाता था औरतों को, लेकिन कैसा इंसाफ किया आप लोग के साथ में, तमाम औरतों के साथ आपका यही रवैया था माशाल्लाह। और ये टीचिंग्स कैसे बेहतरीन टीचिंग्स, ये एजुकेशन के जरिए से आता है। एजुकेशन फकत मैथमेटिक्स को नहीं कहते हैं, साइंस को नहीं कहते हैं, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है डिसिप्लिन, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है सैक्रिफाइस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है पेशेंस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है जस्टिस, ये भी तो सीखना है हमने। लेकिन कहां हम सीख रहे हैं? जो बंदे स्कूल जाते हैं वो बंदे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, सोशल भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। नौजवान बच्चों से मैं मुखातिब हूं, स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रेन हैं, कॉलेज गोइंग जितने भी चिल्ड्रेन हैं, एक दफा हाथ ऊपर करके सबूत दें कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं। अबू हासिम साहब, सारे बंदों ने हाथ उठाया, माशाल्लाह कितने एजुकेटेड है गोवंडी, बड़ा कमाल है, इतने सारे बंदे हाथ उठे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग? हाँ चले, और एक सवाल करता हूं मैं आपको, मानो के 5-6 सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट्स में आपने 100 100 100 100 100 मार्क्स ले आए, और एक सब्जेक्ट में आपको 34 मार्क्स आए, मानो कि पासिंग मार्क्स 35 है और आपने 34 अचीव किया, तो आप पास हुए कि फेल हुए? आवाज में बोले भाई। अरे मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा है, आप एक दफा बोलने के लिए थक रहे हो। 6 सब्जेक्ट आपने लिखे हैं, 5 में आपने 100 नंबर ले आए, 100 100 100 100, एक में आपने 34 ले आए, एक में 34, एक मार्क्स आपको आता तो आप पास हो जाते, आपका टोटल जबरदस्त है, यानी 90% है, लेकिन फिर भी आप फेल है ना, क्यों 35 मार्क्स नहीं ले आए? तो अब सुने, मजे की बात मैं बताता हूं कि जिंदगी में भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने पास होना है, जैसे स्कूल के 6 सब्जेक्ट्स है ना, लाइफ के भी कुछ सब्जेक्ट्स है। जो पहला इम्तिहान किसी बंदे का इस रूहे जमीन पर होता है ना, वो पहला सब्जेक्ट है बेटी या बेटा, जिसके 20 साल मिनिमम, 18 साल 20 साल 22 साल जो बंदे शादी नहीं करते हैं, तो वो 22 साल तक या तो बेटी है या बेटा है, यस आर नो? तो उसमें आपको 100 में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? रोजे कयामत में अल्लाह ने मार्क्स देने हैं आपको, एज ए बेटा आप कितने अच्छे बेटे साबित हुए, एज ए बेटी आप कितनी अच्छी बेटी साबित हुई है, इसका अल्लाह ने अगर स्कोर डालना है आपको, 100 में कितने मार्क्स देगा आपको? मैं जो पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान को, जो नौजवानों को मेरी आंख देख रही है, बड़े दर्द से मैं कहता हूं, 5-10 मार्क्स भी शायद आप लोग ला लें तो आपका अचीवमेंट है। इतने गुनाह में नौजवान बच्चे मुलविस है। एक लड़की मेरा वर्कशॉप समर कैंप अटेंड कर रही थी, 1000 का मजमा था, पढ़ा रहा था, वो 1000 के मजमे में एक लड़की
पेशाब के लिए टॉयलेट के लिए बाहर गई, और जो भी टॉयलेट के लिए जाता है वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में वापस होना होता है, लेकिन वो 15 मिनट तक वो आकर नहीं बैठी अपनी कुर्सी पर। और हमारी टीम ऐसी जबरदस्त टीम है, वो जाकर इंक्वायरी करने लगी कि टॉयलेट में अभी तक क्यों नहीं आई वो बच्ची। जाकर टॉयलेट में देखे तो वो लड़की है ही नहीं, तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़की तना नहीं उसके बहन के साथ भी आती है वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उस बहन को बुलाया गया ऑडिटोरियम के बाहर, पूछा गया आपके साथ आपकी बहन भी आती है ये वर्कशॉप अटेंड करने? उसने कहा हाँ सर मेरी बहन भी आती है। कहाँ है अभी तो थी कुछ देर पहले? तो नहीं सर वो तो टॉयलेट गई है। तो हमने कहा कि टॉयलेट में तो है नहीं वो लड़की, तो नहीं पता सर मुझे कहाँ गई है। तो हमारी टीम ने दबाकर पूछा बताओगी या फिर हमें मालूम करना है अपने तरीके से? तो वो लड़की ने कहा कि नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता। ठीक है आपके डैडी को फोन लगाता हूँ। हमारी टीम ने फोन लगाना शुरू ही किया, वो लड़की ने कहा कि सर 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 प्लीज 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 डैडी को फोन मत कीजिए, वो लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। ऑडिटोरियम के कुछ दूर पार एक बेकरी है, वो बेकरी में बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अब क्लास होने के बाद वो लड़की आई है बहन से मिलने, क्योंकि एक साथ बाप लेकर जाता है गाड़ी पर बिठाकर, बाप को धोखा नहीं दे रही है। अल्लाह ने मार्क्स देना है उसको, बेटी कितने मार्क्स देगा अल्लाह सुबहानहू तआला? 0 देगा, बाप को धोखा दे रही है। बुरखे में है और बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसको बुलाकर पूछा मैंने कि कहां थी आप, ये क्या हरकत है आपकी? तो वो लड़की ने कहा बड़ी अजीब बात है, गौर से सुने आप लोग, कि सर मैं ये मामलात में थी नहीं, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ये मामलात में डाला। मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरी बहन को 3 साल से बॉयफ्रेंड है। वो रोजाना बॉयफ्रेंड नहीं एक नहीं 2-3 से बात करती है और मुझे एंकरेज करते जाती है, ये भी कोई जिंदगी है, तू भी किसी बच्चे से बात कर ले, तू भी ऐश कर, तू भी पार्क जा, तू भी मैकडोनल्ड्स जा, कुछ खा, ये जिंदगी थोड़ी है, एंजॉय कर तू। तो सर मैं कुछ दिनों से मैं एक लड़के से बात कर रही हूँ, वही लड़के से मिलने गई है। यानी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ये एंकरेज कर रही है कि तू जाकर बॉयफ्रेंड से मिल, वो इसलिए कर रही है ताकि उसकी चोरी पकड़े ना जाए। वो घर में अपने माँ बाप पूछे उसको छोटी बेटी से कि बड़ी बेटी क्या क्या है माजरा, कुछ अलग अलग हरकतें कर रही है, तो छोटी बेटी डिफेंस में आए। तो आज ऐसे कितनी बहनें हैं जो छोटी बड़ी बहन को और बड़ी छोटी बहन को इंकरेज करती है कि जाओ आशिकी करो। ऐसे कितने भाई है जो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को चाह वो लड़की को पटा ले, भाई भाई को कह रहा है, बहन बहन को कह रहा है, और दोनों मिलकर माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इससे बड़े भी कोई धोखेबाज दुनिया में हो सकते हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं? कोई हो ही नहीं सकते। जो माँ बाप को धोखा देते हैं वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकते इस रूहे जमीन पर। जिसने आपको पैदा किया है, आपके लिए मेहनत की है, और कितनी मेहनत की है वो रोजे कयामत में आपको पता चलेगा। और वो छोड़कर आप गंदे कामों में मुलविस हो रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं एजुकेशन के लिए, काश मुझे मौका मिल जाए तो मैं स्कूल जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं, लेकिन अल्लाह ने आपको स्कूल भी भेजा, कॉलेज भी भेजा, यूनिवर्सिटी भी भेजा, लेकिन आपने कभी फोकस नहीं किया एजुकेशन पर। याद रखो नौजवान बच्चों, ये गुनाहों से आपने बचना है। अपने वालिदैन को धोखे में मत रखें। पहला जो रोल होता है आपका जिंदगी का पहला सब्जेक्ट है वो बेटा और बेटी, उसमें आपने 100 मार्क्स ले आने हैं। ले आओगे आप लोग 100? तो जिना नहीं करना है आपने, गुनाह नहीं करना है आपने। मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूं पिछले 500 साल में जितने लोगों ने जो गुजर गए गुनाह को लेकर तसव्वुर भी नहीं किए कभी कि ऐसा गुनाह हम कर सकते हैं, आज के नौजवान 100 बच्चे मिलकर 10 मिनट में मोबाइल में कमरों में बैठकर वो गुनाह कर डाले हैं। जो 500 साल में जो लोग सोचे भी नहीं तसव्वुर भी नहीं किए वैसे तमाम गुनाह आज मोबाइल के जरिए से हो रहे हैं। जो मोबाइल हाथ में नौजवान बच्चे थामे हैं मैं उसको मोबाइल नहीं कहता हूं, मैं उसको कैंसर कहता हूं।
वालिदैन उनके हाथ में कैंसर की डिजीज को थामा है, ये लो बेटा अपने करियर को तबाह कर लें, ये लो बेटा आने वाली नस्लों को तबाह कर लें। और ये मोबाइल हाथों में थाम कर न जाने कितने नौजवान बच्चे आज डिस्ट्रैक्टेड हैं, पढ़ाई से दूर है। रिसर्च कहता है कि अगर कोई बंदा 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटे है, तो फिर उसको बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एडिक्शन। और जो बंदा एडिक्टेड हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है, वो नस्लें खराब हो जाती है उसकी। 2 महीने पहले जो वर्कशॉप मेरा हैदराबाद में हुआ, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ट्रेनिंग लेने आया था कोई स्टेट से, वो स्टेट का नाम भी नहीं बताना चाहता हूं मैं, उस स्टेट को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हर स्टेट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उस बंदे के बाप ने बताया कि मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है और इसका स्क्रीन टाइम 17 घंटे है। कितने हैं? 17 घंटे रोज मोबाइल देखता है। एक नौजवान बच्चा आया, यतीम था, उसका बाप का इंतकाल हो गया था, 4-5 एकड़ जमीन थी, 4-5 एकड़ जमीन थी, वो जमीन बेचकर नशा करने लगा, दिन में 70 सिगरेट पिया करता था। हमने 1 महीने में उसको 7 सिगरेट पर लाकर छोड़ा। वो 7 को हम 0 भी कर सकते थे लेकिन वो अकड़ के वहीं मर जाता था। कोई बंदे को 1 साथ नहीं छोड़ सकते, टैपर करने के लिए कम कम करना होता है। तो 70 सिगरेट नौजवान बच्चे पी रहे, 17-17 घंटे मोबाइल देख रहे, जिंदगी तबाह कर लोगे, आंखों में कैंसर आ जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे वो पढ़ते वक्त में। मेरे एक दादी का किस्सा सुनाता हूं, बारिश होने दें, थोड़ा सा भीगे, जोश आएगा इंशाल्लाह। मैं जब 10वीं जमात में था, 40 बच्चे पढ़ते थे मेरे क्लास में और मेरा रैंक आता था 25-25। मुझसे 24 बच्चे अच्छा पढ़ते थे और कभी 55%, कभी 60% आते थे मुझे, कभी 55, कभी 60% आते थे। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई, ए के बाद बी नहीं मालूम था मेरी दादी को, बी के बाद सी होता है ये नहीं मालूम था मेरी दादी को, लेकिन बोर्ड एग्जाम मेरा था ये मालूम था। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के 3 महीने कबल, 90 दिन पहले से आपने मुझे रात में 3 बजे जगाना शुरू किया, 6 बजे तक 3 घंटे वो चेयर, 2 चेयर रखती, 1 चेयर पर वो बैठती और 1 चेयर पर मुझे बिठाती और कहती पढ़ाई करो। अब 6 बजे तक मैं 3 घंटे रोज पढ़ता था और 3 घंटे सिर्फ रोज नहीं पढ़ता, ऐसे 3 महीने पढ़ा, 90 दिन पढ़ा, 270 घंटे पढ़ा। फिर फज्र की नमाज पढ़कर मैं मैथ ट्यूशन पढ़ने जाता था और उसके बाद बोर्ड एग्जाम दिया तो मुझे 55% से 82% आया। उस जमाने में 82% यानी 95 के बराबर है। और क्लास में मैं 3rd बेस्ट स्टूडेंट था, 25 नंबर से जाकर मेरा कहां 3रे नंबर पर मैं। तो जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल पहुंचा, जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया वो टीचर्स ने तंज किया मुझ पर। वो तंज क्या कहकर किया, तूने जरूर चीटिंग की होगी एग्जाम में, वरना तुझे 3rd रैंक कैसे आता है, हमेशा 25 आता तुझे। मेरी दादी ने अबू आसिम साहब वो काम किया जो मेरे पूरे स्कूल के टीचर्स नहीं कर पाए, और वो दादी जिनको ए के बाद बी नहीं पता था, आज बैठते हैं सारे औरतें पाकिस्तान की सीरियल्स देखते बैठते हैं कि रमजान में मुझे यही 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 ड्रेस लेना है। आप बताएं, मूवीज देखते हुए, इंस्टाग्राम देखते हुए माए बैठी हुई है। आज तमाम माओं से, तमाम दादियों को मैं अपील करता हूं कि मेरी दादी जैसा आप काम करें और एक मुनव्वर जमा आपके घर से भी निकलेगा इंशाल्लाह। जितने दादियां हैं, एग्जाम से सिर्फ 3 घंटे कबल, 3 घंटे पहले आपने मेहनत की है, 3 महीने तक तो ऐसा रिजल्ट आया है। आप लोग, आपको पढ़ाई नहीं भी आती है तो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ देखते रहिए उन्हें, जैसे वालिदैन को देखना भी इबादत है। हर गरीब हज नहीं कर सकता है, उमरा नहीं जा सकता है, और जिनके पास पैसा है वो पैसे उसे उमरा तो कर सकते हैं, लेकिन उमरा कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई गारंटी नहीं है, हज कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके घर में बाप है और वो कमरे में सोया पड़ा हुआ है, सो रहा है,
और आप बाप को देखकर मुस्कुरा रहे हो, मकबूल हज का सवाब है और ये रोज पा सकते हो सवाब। आप जो लोग मशक्कतें कर हज पर जाते हैं, कबूल होता है नहीं होता है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन याद रख लें आपके घर में आपके वालिद है, सिर्फ मुस्कुरा कर देखें आप, इबादत है। इसको इबादत समझकर आप, मैं माओ से इल्तिजा करता हूं, क्लास में स्कूल से आने के बाद रोजाना 3 घंटे आप अपना मोबाइल ऑफ कर लें, लॉकर में डाल दें, मेरी दादी की तरह बस कुर्सी पे ऐसा बैठे रहें और देखते रहें, नजर रखें बस, इंशाल्लाह आपके घरों से डॉक्टर एपीजे कलाम पैदा होगा, आपके घरों से इंशाल्लाह मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे, आपके घरों से फिर टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रतन टाटा फिर से पैदा होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये वालिदैन का बड़ा किरदार होता है, वालिदैन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक बात कह के मैं मेरी बात को खत्म करता हूं, मेरी एक स्टूडेंट है राजस्थान की, उसको एक बीमारी है बोन वाली बीमारी, वो ऐसी बीमारी गिर जाते तो हड्डी टूट जाती, उसकी 7 दफा हड्डियां टूट गए थे पैर के, कितनी दफा बोले जोर से, 7, और 17 ऑपरेशन हुए थे पैर के, और वो बौनी थी, राजस्थान के छोटे गांव में रहा करती थी, तो उसके खानदान में उसके बच्चे वगैरह भाई बहन सबको यही बीमारी, जो बौने बौनियां होते ना छोटे छोटे हाइट के, सबको वही बीमारी थी। जल्दी बात खत्म करता हूं सुन लें, तो वो बाप ने घर छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी और औरत से शादी कर ली उसने, क्योंकि घर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो दिल्ली जाने के बाद वो बच्ची पढ़ना चाह रही थी लेकिन हेल्पलेस थी, बाप नहीं था तो कैसे पढ़ती, तो वो बच्ची की दादी ने अपने बाप को कहा, तूने घर तो बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी औरत से शादी कर ली तूने, 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं बेसहारा कर दिया, कम से कम एक बच्ची पढ़ना चाहती है दिल्ली बुला ले। तो उस बाप ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया, अब वो बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगी, अच्छे मार्क्स लाने लगी, उसकी सौतेली बहन थी तो सौतेली माँ ने उसमें हसद हुआ और कहने लगी कि आज से 7 बजे के बाद तू पढ़ाई नहीं करेगी, बिजली की बिल बड़ी जम के आ रही है, तूने पढ़ाई नहीं करना है, 7 बजे से कोई लाइट नहीं चलेगी। तो वो बंदी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती और अच्छे मार्क्स आते और माँ में और हसद होती और जुल्म करने लगती है, तो फिर उसके पास 2 चॉइस थे, इतना जुल्म करने लगी अब वो सह नहीं पा रही थी। तो लड़की के पास में 2 चॉइस थे, या तो राजस्थान वापस चले जाएं या फिर कुछ नया कदम उठाएं। उसने राजस्थान वापस नहीं गया, यमुना विहार के स्लम्स में जाकर 9th स्टैंडर्ड की बच्ची अकेली स्लम्स में रहकर, अकेले स्लम्स में रहकर वो पढ़ाई करने लगी, ट्यूशन पढ़ाते हुए वो 20-30 रुपए कमाते हुए अपने महीने का गुजारा करती थी। उसने 10th पास किया, उसने 11th पास किया, उसने 12th पास किया, उसने ग्रेजुएशन भी करना शुरू किया, और वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं रोटी बनाती थी और सालन नहीं बनाती थी, पैसे नहीं होते थे, वक्त नहीं होता था, पढ़ने में वक्त जाता था, 3-3 दिन तक वही सूखे रोटी पानी में डुबो कर खाती थी, पानी में डुबो कर खाती थी। वो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड की है, वो टॉप की स्पीकर बनी, कोरिया गई है 3 दफा, जापान 1 साल की लीडरशिप ट्रेनिंग ली है। उसके बाद 2016 में उस लड़की ने UPSC का एग्जाम लिखकर पहले अटेम्प्ट में वो IAS ऑफिसर का एग्जाम कामयाब किया उसने। उसके साथ कोई नहीं थे, यमुना विहार के स्लम में नौजवान अकेली बच्ची ट्यूशन पढ़ाते हुए, जिसके 17 सर्जरीज हुए हैं, 7 फ्रैक्चर्स हुए हैं, अकेली तन्हा बच्ची मेहनत करके आज टॉप ऑफिसर बनी है। आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्कूल जाए आप भी IAS ऑफिसर बन सकते हैं, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। 2008 में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा, बड़ा टॉप का मोटिवेशनल स्पीकर, उसको इंडिया बुलाने की बातें चल रही थी। उस जमाने में वो एक दिन के 25 लाख रुपए डिमांड करता था, यह अलग बात है कि मुनव्वर जमा कोई डिमांड नहीं करता है, इंडिया में पूरा इंडिया घुमा हूं, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूं। अबू आसिम साहब को अल्लाह सुबहान तआला ने शोहरत दौलत से नवाजा, मैं 20 लाख मेरी फी कहता तो वो 25 लाख देते मुझे, लेकिन मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब मैं आऊंगा आपके पास में, वो 1 साल से मुझे फोन किए जा रहे थे, मैं टाल रहा था, मसरूफ था,
लेकिन आपको मैंने बताया जब भी आऊंगा एक रुपया भी नहीं लूंगा और मेरे ही फ्लैट से मैं आऊंगा। मैं बोलने के पैसे नहीं लेता हूं। लोग 20-20 लाख रुपए देते हैं मोटिवेशनल टॉक्स के, मैं नहीं लेता हूं। वो बंदा 25 लाख रुपए लेता था और वो सही करता था लेकर, उसके दो हाथ नहीं थे, दो पैर नहीं थे, ये जो पंजे हैं जाकर कमर से लगे हुए थे बस, ना हाथ है ना पैर है। वो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, वो स्विमिंग भी किया करता था, वो कंप्यूटर भी चलाता था, वो खुद से खाना भी बनाता था मशीन पर। अल्लाह ने आपको दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, दो आंख दिए हैं, दिमाग दिया है जिससे हम अशरफ कहलाते हैं। हम परिंदों की तरह उड़ तो नहीं सकते हैं, मछलियों की तरह हम लोग तैर तो नहीं सकते हैं, जानवरों की तरह हम दौड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानवरों से तेज दौड़ने वाले कार्स हमने बना लिया है। मछलियों से तेज हम तैर नहीं सकते, लेकिन मछलियों से तेज चलने वाले शिप्स हमने बना लिया। परिंदों से तेज हम उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जहाज बनाकर परिंदों को पीछे कर दिए। ये पॉसिबल सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। जहाज बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं, कश्तियां बनी हैं तो एजुकेशन से बने हैं, मोबाइल फोन्स बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं। पहले एक घर में 20-20 बच्चे हुआ करते थे, एक माँ 20-20 बच्चों की खिदमत करती थी, 20-20 बच्चों के कपड़े धो धोकर शोल्डर्स घिस जाते थे। एक एजुकेशन की वजह से किसी बंदे ने वॉशिंग मशीन बना दिया, उसने अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने दुनिया की तमाम माओ को गिफ्ट दे दिया। ऐसे गिफ्ट देने वाले बनो। मसाले कूट कूट कर शोल्डर्स की हालत अजीब हो जाती थी माओ की। किसी ने ग्राइंडर बनाया तो अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरी माओ को गिफ्ट दिया है। यह पॉसिबल कैसे हुआ है? यह एजुकेशन की वजह से हुआ है। पहले लोग हज पर जाया करते थे तो 6 महीने लगते, 8 महीने लगते, किसी को 1 साल लगते, लेकिन किसी ने जहाज बना दिया तो 3-4 घंटे में हम जद्दा पहुंच जाते हैं। यह पॉसिबल एजुकेशन से हुआ है। आज कोई अमेरिका में बैठ रहा है 1 सेकंड में, पहले खत लिखते थे अस्सलामु अलैकुम, अमेरिका पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था, वहां से जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम और 1 महीना लगता था। किसी ने मोबाइल ईजाद किया अस्सलामु अलैकुम, उसी नेक्स्ट मूवमेंट में वालेकुम अस्सलाम जवाब आता है। ये एजुकेशन से हुआ है। आप लोग एजुकेशन छोड़कर पैसे के पीछे मत भागे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागे, इंशाल्लाह पैसा आपके पीछे दौड़ता चले आएगा। मैं आप सब लोग से इल्तिजा करता हूं, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चों पर नजर रखें। आप लोग ऐसे नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों पर नजर रखें, टीचर्स को गिफ्ट दें, टीचर्स के लिए दुआएं करें। मैं हर रोज जब से कोरोना आया है 2021 से 2024 तक मेरी क्लासरूम में मैं कदम रखता हूं तो 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर वो स्टूडेंट्स जो जेरे तालीम है, वो स्टूडेंट्स जो माजी में मुझसे पढ़े, वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकबिल में मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए मैं हिफाजत की और कामयाबी की दुआएं करके मैं क्लासरूम में कदम रखता हूं। आज गोवंडी में आकर बारिश में भीगते हुए मैंने स्पीच दी है। मेरे दोस्त शाहनवाज भाई के घर में मैंने दाल रोटी खाकर 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर आप लोग की कामयाबी की दुआ मैंने की है, आप लोग के मुस्तकबिल के लिए दुआ मैंने की है, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैंने दुआ की है। अबू आसिम साहब बड़े घबरा रहे थे, 4-4 दफा बोल रहे थे बारिश हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी सर, वो कह रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ये देखो कैसा उजाला है गोवंडी में। सब लोग अपनी मोबाइल लाइट थोड़ा ऑन करके उजाला दिखाई है। अबू आसिम साहब को थोड़ा सा मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके अबू आसिम साहब को दिखाइए कि हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बोले सब, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या है? बोले हम तूफानों से लड़ने वाले हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर।
मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा पैदा कर। ये जोश नौजवानों में होना चाहिए। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। एक ऐसा भी सजदा कर ले जो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाल्लाह, ऐसा जबरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं भीगते हुए नौजवान बच्चियां औरतें सब यहां पर, दो तीन घंटे में माजिरत भी चाहता हूं, आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है, हैदराबाद में पढ़ाकर मैं आया, फिर मेरी नमाजें भी बाकी थी, मुझे नमाजें भी पढ़ना था और एडिशनल डीजी साहब भी आए हैं। मैं सलूट करता हूं एडिशनल डीजी साहब को और मैं एडिशनल डीजी साहब से इल्तिजा करता हूं, मुझे पता चला है कि आप जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके मुंह से मुझे डर भी लग रहा है, थोड़ा दूर ही रहता हूं, लेकिन आपको सलूट करते हुए रिक्वेस्ट करता हूं, ये नौजवान, ये बच्चे बच्चियां, ये औरतें, ये सब आपके हैं सर, इन्हें एक मार्ग दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए, एक मोटिवेशन दीजिए। जी प्रकाश सर, कृष्ण प्रकाश सर, आप हमेशा प्रकाश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, आपकी सेहत बेहतरीन रहे। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ग्रेट ऑफिसर। आली जनाब मुनव्वर जमा साहब, आली जनाब, गोवंडी के मेरे तमामी बिरादराने वतन, आज अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है, अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। मुझे ये लगता है कि इस रात में मुनव्वर जमा ने जो अलख जगाई है, जो रोशनी जगाई है, इल्म की रोशनी, उसी के बारे में मोहम्मद पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी से इल्म की खुशबू आती है। वही इल्म की महक, उसी इल्म की रोशनी, उसी के नूर को जगाने के लिए आपके बीच मुनव्वर जमा जी आए हैं। वो तमाम बिरादराने वतन के बीच और हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बिरादराने वतन हैं उनके बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके युवाओं के बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके बड़ों बुजुर्गों के बीच जो जिम्मेदारियों का अभाव हो गया है, उसको जगाने की जो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने खोल दिया है खुशबू का बंद, अहबाब तेरी जिम्मेदारी है। अहबाब तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो इल्म देने वाला आता है वो इल्म देकर चला जाता है, थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ये नदी वर्षों हुई सोई हुई थी नींद भर, फेंक कर पत्थर जरा हलचल जरा इसमें मचा दी, ये हलचल तो मचा दी इन्होंने, लेकिन इस हलचल को आप सभी लोगों ने अपनी शिद्दत में बदलना है, अपनी मंजिल में बदलना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जो बातें ये बता रहे थे उसके बीच से मैंने कुछ
बड़े खूबसूरत फलसफे जो मुझे लगे वो उसी के बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा कि सूरह बकरा में ये बताया गया है कि रोजा क्यों करते हो तुम, जब रमजान का महीना होता है तो रोजा क्यों करते हो। उसमें यही तो बताया गया कि ईमान वालों, तुम पर रोजा उसी तरह से फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले आने वाली कौमों पर रोजा अर्थात उपवास फर्ज किया गया था। पर आखिर क्यों? इसलिए, किस लिए? ताकि तुम तकवा कर सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। तो जब तक तुम तकवा नहीं करोगे, जब तक बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, जिसे हराम कहा गया है उससे दूर नहीं रहोगे, चाहे वो नशा हो, चाहे वो तनाजा हो, चाहे वो बुराई हो, उन्होंने कहा कि तनाजा फैलाने से कुछ नहीं होगा, पुलिस हटा दिया जाए तो देश की आबादी आधी रह जाएगी। मैं इसी बात को आगे बताना चाहता हूं कि दीन इस्लाम में सच्चा शुरमा वो नहीं हो जाता होता जो जंगे मैदान में शमशीर लेकर कूद पड़ता है, बल्कि जो सब्र करना जानता है। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अगर मेरे दुश्मन की भी मुझे इबादत करनी पड़े, खिदमत करनी पड़े, तो मैं उसे करूंगा अगर सच्चा इल्म वो देगा। कुरान पाक जब जिब्रील के माध्यम से मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तब उस वक्त पहला शब्द क्या था, पहला लफ्ज क्या था? इकरा, पढ़ो, पढ़ो, इकरा। तो आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको बनना है, आपको गढ़ना है, खुद को भी और दूसरों को भी, अपने समाज को भी और खुद को भी, अपने परिवार को भी और खुद को भी। हम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी में, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी जवाबदारियां भूल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी जवाबदारियों को समझ लें और हम ये समझ लें कि इल्म वो रास्ता है जिससे हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है, हर बाधा को दूर किया जा सकता है। मैं अपना एक छोटा सा वाक्या सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग थोड़े से कष्टों से घबरा जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किलों से, थोड़ी सी दुश्वारियों से घबरा जाते हैं। यह तो इबलीस का हमेशा से काम रहा है। जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इबलीस पे हल्की सी हंसी आई है। जब कभी इंसान ने अमन की कसम खाई है, लबे इबलीस पे हल्की सी हंसी आई है। जज्बे इश्क तेरा खाम अभी है मुल्ला, इसमें अभी अंदेश है, रुसवाई है। मैं तेरी गफलते पहम से भी मायूस नहीं, मैंने बेलौस मोहब्बत की कसम खाई है। आप जो ये जो उजाला आपके बीच जो फैलाया गया है, ये जो नूर आपके बीच लाया गया है, इस नूर को आपको जगाए रखना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में या मुनव्वर जमा के सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और यह आग इल्म की होनी चाहिए, यह हसरत सच्चाई की होनी चाहिए, यह हसरत दीन की होनी चाहिए, यह हसरत दीन के अद दीन के पथ पर मार्ग पर चलने की होनी चाहिए। और इल्म के सहारे
दुनिया में जितनी अच्छाइयां हो सकती है उसको करने की होनी चाहिए। बाबा सलीम चिश्ती के पास से अकबर के पास जो इबादत गाह था वहां एक फकीर पहुंचा। उसने सोचा, गांव वालों ने भेजा था कि हमारे गांव में सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, प्याऊ नहीं है, ये सब चीजें मांग के आओ। फकीर थे, मांगते कुछ नहीं थे, पर सोचा शायद बादशाह सलामत अकबर समझ जाएंगे। बादशाह सलामत अकबर विभिन्न धर्मों के बारे में, विभिन्न इदारों के बारे में जानकारी ले रहे थे। बाद में उन्होंने नमाज अदा की। फकीर जब नमाज अदा करके बादशाह सलामत अकबर दुआ पढ़ रहे थे, निकल लिए। बादशाह सलामत अकबर ने दुआ खत्म की और बोला, फकीर कहां चले गए? फकीर को दौड़कर अपने सेनापति को भेजा, बुला कर लाए। फकीर से उन्होंने पूछा, आप तो यहां आए थे, कुछ बताने आए होंगे, कुछ मांगने आए होंगे, आपने कुछ मांगा नहीं? बोला, हां मांगने तो आए थे, पर जब आप इबादत कर रहे थे आप कह रहे थे, या अल्लाह मेरा खजाना भर दे, मेरी सेना मजबूत कर दे। जब तू ही मांगता है तो मैं तुझसे क्या मांगू, जो मांगना है अल्लाह से मांग लूंगा। तो जो मांगना है उससे मांग लेंगे, लेकिन हम अगर सही नेकी के मार्ग में चलेंगे तब हम सही जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे पूरा करेंगे तब। मैं बता रहा था अपनी कहानी, मैं 12वीं में पढ़ता था, मेरे घर के बगल में बड़े ताकतवर लोग, बड़े पैसे वाले लोग रहते थे। उन लोगों ने एक सार्वजनिक जगह जो होती है, सबकी जगह, कुआं और सड़क की आखिरी जगह मोहल्ले में, उस पर कब्जा जमाना शुरू किया। मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, एग्जाम में बैठा था, मैंने केमिस्ट्री की परीक्षा दे दी थी, हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा दे दी थी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर बाकी थे, 7 दिन का समय था, मैंने रोक दिया। पहले इंस्पेक्टर आया, फिर DYSP आया, फिर SP आया, सबने समझाने की कोशिश की, जाने दो। मैंने कहा, नहीं ये तो गलत हो रहा है। फिर लोग भी मेरे साथ जमा हो गए, उनका काम रुक गया, उनका काम रुक गया। 4-5 दिन के बाद मैं पढ़ाई करके छोटे बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए क्रिकेट खेल रहा था कि पुलिस आई। पुलिस आई और उसने बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं चला गया, मैं डरता नहीं था क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले का बेटा था, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, उस समय DYSP बन चुके थे। मैं चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, बोला जीप पे बैठो। पहले आगे बिठाया, फिर पीछे बिठाया, फिर संगीन दिखाई, फिर जगह जगह दिखाया, यहां से मोटरसाइकिल चोरी हुआ, यहां ड्रग बिकता है। मैंने बोला, इससे मतलब और मुझसे मतलब? उसने कहा, टेप रिकॉर्डर चालू किया और कहा, स्वीकार कर लो। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। मैं 1989 की बात है। मैं हजारीबाग में पढ़ता था, झारखंड में। मुझे उठाकर ले गए, रात भर टॉर्चर किया, हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे। मुझे खटिया में बांधकर, खटिया में बांधते थे पहले, और पैरों पर बहुत मारा, हाथों पे बहुत मारा। लेकिन मैंने गलत किया नहीं था, इसलिए गलत कबूल नहीं किया। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं IPS अधिकारी ही बनूंगा। और जिस इलाके में भी काम करूंगा, किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितने पैसे वाला क्यों ना हो। और किसी भी मजलूम पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कितना भी कमजोर या कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो सही है तो। और मेरी नौकरी का, मेरी सेवा का, मेरे खिदमतों का यही इतिहास है। आप मालेगांव में पूछ लें, आप चिखली में पूछ लें, बुल्ढाना में पूछ लें, मलकापुर में पूछ लें, खामगांव में पूछ लें, अमरावती में पूछ लें,
आप अचलपुर में पूछ लें, जहां भी आपको पूछना है, सांगली में पूछ लें, मेरा इतिहास यही है, दक्षिण मुंबई में पूछ लें जहां मैं एडिशनल सीपी रहा हूं। तो कहीं भी मैंने कभी किसी दबाव के अंदर झुका नहीं, क्योंकि डरता एक से हूं। और उसी पे भरोसा करता हूं, हिजबुन नियामल हो क्या है, क्या है, नेमल वकील, मतलब अल्लाह ताला हम सबों का बेहतरीन कारसाज है, उस पे भरोसा करो, उस पे भरोसा करो, वो आपको सबसे ज्यादा न्याय देगा। और सही करो, नेकी के रास्ते पे चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से कहता हूं कि हमने खोल दिया है खुशबू का बंद, मुनव्वर जमाने आपको, आपके अंदर जगा दी है वो जोश जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है आपको, आपके अंदर आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। और यह बेहतरीन इसलिए कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने का की ताकत दी है। और उस ताकत को जगाए रखो, जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है, उसका सही उपयोग करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। लेकिन उसका अगर गलत चीजों के लिए, जैसा वो बता रहे थे कि 8 घंटे आप किसी रेशमा को ढूंढने में लगा देते हैं, तब तो आप गए, नशा किया आपने तो गए, और आपकी सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसे खत्म मत होने दो। यही समय है, यही समय है, जीतना तय है। अगर आप जीतना चाहते हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, इकरा पढ़ो, 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 आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, लगाई आग है जिसने कोई अपना नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम तमाम अहलिया ने गोवंडी जोरदार तालियों से डीजीपी सर का इस्तकबाल करें। गोंडी वालों, गोंडी वालों, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। इतनी बारिश हुई, आप उसके बाद उठ के नहीं पाए, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मुनव्वर जमा साहब, मुनव्वर जमा साहब, पब्लिक ये नहीं है आपको, जमा साहब, मुनव्वर जमा साहब, आप जो मैदान देख रहे हैं, ये मैदान डबल मैदान है, इसके बाद का मैदान भी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। गोंडी वालों, तुमने आज इज्जत रख ली, आज बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आए ना ऑफिसर कृष्णा, कृष्ण प्रकाश साहब, ये जो कृष्ण प्रकाश जी आए हैं ना, ये बिहार के हैं, एक बिहारी सौ पे भारी, क्या सुने, एक बिहारी सौ पे भारी। और इन्होंने कभी भी किसी से डरे नहीं, इंसाफ किया, इसलिए मैंने बुलाया। एक वादा करके जाओ आज नौजवानों, एक वादा करके जाओ, कल से 3 लोगों की मोटरसाइकिल पर नहीं जाओगे, बोलो, 2 की सवारी होगी, सिग्नल नहीं तोड़ोगे, जब जाओगे ना, सुनो सुनो, अरे बात तो सुनो, सिग्नल नहीं तोड़ोगे, वादा करो। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लगना चाहिए कि यहां पर मुनव्वर जमा साहब आए थे, यहां के मुसलमानों ने हर तरह से तय कर लिया कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे इस्लाम के मानने वाले की बदनामी और बेइज्जती हो। बोलो, करोगे, हाथ उठा के बोलो, करोगे ना। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा।
अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? सब मिलजुल करके रहो, भाईचारगी का पैगाम दो और अपने पड़ोसी हिंदू भाई से कह दो, आज के बाद अगर किसी को खून की जरूरत पड़ेगी किसी हिंदू को मत बुलाना, हम मुसलमान तुमको खून दे करके तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे। ये मुनव्वर जमान साहब ने सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम प्यारे भाई बहन माए जितने भी यहां पर आए हैं, आपको हैदराबाद का सलाम। और इंशाल्लाह मैं गोवंडी फिर आऊंगा। मुझे नौजवान बच्चों में जोश नजर आना चाहिए, उनके हाथों में सिगरेट नहीं उनके हाथों में किताबें नजर आनी चाहिए, उनके हाथों में शराब की बोतलें नहीं हाथों में तस्बीह नजर आना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से तार जोड़ लें, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ लें, इंशाल्लाह आप और आपकी नस्लें भी कामयाब होंगे। मैं सलाम करता हूं, 2-3 घंटे आप लोग बारिश में भीग कर यहां बैठकर मेरी तकरीर, अबू आसिम साहब की तकरीर और पुलिस ऑफिसर माशाल्लाह डीजी साहब की तकरीर, आपको अल्लाह ने बड़ा जहन दिया है, बड़ा जबरदस्त मैसेज आपने यहां आज इस प्लेटफॉर्म से हमारी कौम को दिया। मेरी कौम की तरफ से डीजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जितने भी हजरात यहां पर तशरीफ ले आए आपको मुनव्वर जमा का सलाम। आप दुआ करें इंशाल्लाह मैं ये काम जारी रखूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाकर काम करूं। मेरे साथ जुड़े अहमद भाई, शाहनवाज भाई, अशरफ भाई, हाफिज जाकिर साहब, इरफान साहब, सब जुड़े हैं माशाल्लाह, और लक्ष इंटरनेशनल स्कूल के डॉक्टर एडवोकेट मुश्ताक साहब और इंग्लिश हाउस की टीम माशाल्लाह और अबू आसिम साहब की टीम, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम। और सब बंदों से मैं इंतजा करता हूँ कि सारे बंदे हाथ उठाकर वादा करें कि ईशा की नमाज पढ़कर सो जाएंगे, फिर सुबह उठकर फज्र की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया अली जनाब मुनव्वर जमा साहब। भाई तमाम लोगों से दरखास्त है किसी तरीके की बदनज़मी ना करें, मेहमान को हमने सुना है उनको बाअदब तरीके से रवाना करें। मैं मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की जानिब से आए हुई मेरी एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक भाई का मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज ऊपर ना चढ़े बॉन्सर, प्लीज ऊपर ना चढ़े, ऊपर ना चढ़े प्लीज।